वेल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू कैसे हो आप आप थोड़ा अभी मुझे ठीक लग रहा है चलो आपकी दुआ मेरे साथ है तो जल्दी जल्दी ठीक हो गया हो सो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आवाज क्लियरली आ रही है क्या सबको आई एम वेदर आई एम क्लियरली ऑडिबल यस और नो बोलिए फटाफट सुहानी सावन आशीष विधि जितेश मुक्ता गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बेटा गुड मॉर्निंग आज का दिन आपका भी बेस्ट दिन हो लंबी सांस लो और कहो जो भी हुआ अच्छा हुआ और जो भी होगा बहुत बहुत अच्छा होगा आए हम कुछ अच्छा करने थैंक यू निखिल ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर नीरज गुड मॉर्निंग चलिए तो हमारा बचा हुआ जो पोर्शन है आज का ये हम स्टार्ट करते हैं और ये आज का लास्ट डेमोस्टेशन होगा हमारा ओके okay, इसके बाद में हमारी रेगुलर बैच होगी जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा और आपको बैच कहां से मिलेगी कैसे मिलेगी सब डिटेल्स में आपको बताऊंगा सबसे पहले तो चालू करते हमारा डिस्कशन ओके सो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पे आर यू रेडी तो देखिए हमने क्या डिस्कस किया था हम क्रेडिट पढ़ रहे थे और क्रेडिट में ड्यूअल मॉडल में जीएसटी में क्रेडिट ड्यूअल मॉडल में जीएसटी कैसे होगा सो so, दोस्तों यहाँ पे ड्यूअल मॉडल में जीएसटी अगर हम देखें तो आपके इनवर्ट सप्लाई पे सी जी एस टी लग के आया होगा तो इनवर्ट सप्लाई के सी जी एस टी का क्रेडिट आपके आउटवर्ट सप्लाई के सी जी एस टी में ही मिलेगा ये हमने लास्ट सेशन में देखा और एच जी एस टी का क्रेडिट एच जी एस टी में मिलेगा ओके क्रॉस क्रेडिट अलाउड नहीं है मतलब आप सी जी एस टी का क्रेडिट एस जी एस टी में नहीं ले सकते या एस जी एस टी का क्रेडिट सी जी एस टी में नहीं ले सकते और ओके क्रॉस क्रेडिट अलाउड नहीं है पर चलो इससे कोई बिजनेस मैन वालों का कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है क्यों क्योंकि पहले जो प्रॉब्लम्स थे कि आपके आउटवर्ड सप्लाई में आ, आपको सेटअप में चेक करना है ओके okay, तो जस्ट मिनट ओके okay, मैं सेटअप भी लगा देता हूँ सेटअप भी लगा देता हूँ जस्ट मिनट बेटा सेटअप के लिए जो है अभी मेरे इसमें थोड़ी दिक्कत जाएगी टाइम लगेगा ओके तो उसके लिए जब हमारे लाइव सेशन चालू हो गए तो मैं एक वीडियो बताऊंगा कि आपने पूरा सेटअप कैसे चेक करना है ओके ठीक है तो अभी आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा ज्यादा बेटर चलो तो अभी हमने जहां तक देखा है यहाँ पे तो बेटा क्रॉस क्रेडिट अलाउड नहीं थे यानी सी जी एस टी का एस जी एस टी में एस जी एस टी का सी जी एस टी में ये अलाउड नहीं हुआ ठीक है यहाँ तक तो हमने डिस्कशन किया पर चलो आज मैन्युफैक्चरर ट्रेडर या सर्विस प्रोवाइडर इनके आउटवर्ड सप्लाई में एटलीस्ट इनके आउटवर्ड सप्लाई में एटलीस्ट दोनों टैक्सेस तो आ गए और सबको दोनों टैक्सेस का क्रेडिट तो मिला ही मिला बेटा चलो यहाँ पे नेक्स्ट अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आ जाइए यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहले पिक्टोरल प्रेजेंटेशन से मैं समझा देता हूँ और फिर धीरे धीरे हम प्रॉब्लम्स में आएंगे ठीक है जैसे आपने कोई गुड्स खरीदा तो आपने कोई गुड्स खरीदा वैल्यू जो है वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेटर ले सभी और अगर आपके पास नोट्स है तो लिखते जाओ ओके सी यहाँ पे तो अब यहाँ पे आपने जो गुड्स खरीदा है इनपुट मैं इसे इनपुट कहूंगा और आपने ये खरीदा इसके ऊपर जी एस रेट है जीएसटी रेट है बारह परसेंट जी रेट कितना बेटा बारह परसेंट तो सी जी एस टी एट द रेट सिक्स परसेंट और एस जी एस टी एट द रेट सिक्स परसेंट यानी टोटल जो हो गया आपका ओके तो छ हजार रुपये छः हजार रुपये सी जी एस टी छुपएस जी एस टी उसके ऊपर लग जाएगा फिफ्टी फिफ्टी परसेंट डुअल मॉडल में फिर आपने सर्विस ली ओके okay, तो ये जो इनपुट सर्विस आपने ली बेटा इनपुट सर्विस तो ये इनपुट सर्विस यहाँ पे ओके okay, वैल्यू जो है इनपुट सर्विस की वैल्यू पचास हजार रुपए है और यहाँ जीएसटी रेट एटीन परसेंट है जो इनपुट सर्विस ली उसका जी जीएसटी रेट एटीन परसेंट है इसलिए सी जी एस टी एट द रेट नाइन परसेंट और एस जी एस टी एट द रेट नाइन परसेंट ओके तो अगर हम यहाँ पे देखें नाइन परसेंट नाइन परसेंट तो फिफ्टी थाउजेंड इंटू नाइन परसेंट यानि चार हज़ार पाँच सौ और चार हज़ार पाँच सौ यह आपका सी जी एस टी और एस जी एस टी आया फिर आपका आउटवर्ड सप्लाई ये आपका आउटवर्ड सप्लाई मेरे साथ लिखते जाइएगा आउटवर्ड सप्लाई जिसकी वैल्यू यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे तीन लाख रुपए है ओके और ये आउटवर्ड सप्लाई का रेट जो है आपका आउटवर्ड सप्लाई ट्वेंटी एट परसेंट में है ध्यान से सुनिएगा आउटवर्ड सप्लाई ट्वेंटी ऐसा होता है बेटा जैसे आप कोई बाइक कार मैन्युफैक्चर कर रहे हो कार ट्वेंटी एट परसेंट में पर कार का इंजन खरीद रहे हो तो इंजन उसका ट्वेल्व परसेंट में ही है बहुत सी सर्विसेज ले रहे हो तो उसके एटीन परसेंट में जानबूझ के मैं अलग अलग रेट ले रहा हूँ ओके इससे मैं कुछ मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ अगे कार की वैल्यू समझ लो यहाँ पे तीन लाख है और ट्वेंटी एट परसेंट का जीएसटी रेट है ओके आपके कार पे तो ऐसे केस में जीएसटी जो है एट द रेट ओके फोर्टीन परसेंट और जीएसटी एस टी एट द रेट फोर्टीन परसेंट ओके यानि अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो यहाँ पे तो आ, थ्री लैक्स इंटू फोर्टीन परसेंट ओके okay, तो फोर्टी टू थाउजेंड ओके okay, यहाँ पे आपका जीएसटी आ गया है सी जी और ये एस जी ये आ गया है एक मैसेज आया कि सर अभी जैन में एग्जाम है और डर लग रहा है बेटा एक बात कहो डर लग रहा है मतलब ये साइन है कि आप अपने पढ़ाई के बारे में और आपके फ्यूचर के बारे में कॉन्शियस हो डरता वही है जो कॉन्शियस होता है तो ओके okay, इस डर के साथ आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी बस इतना ही कहूंगा लेक्चर को मैं इन बिटवीन नहीं रोकूंगा मैं अपने लेक्चर को कंटिन्यू रहूँगा लेकिन डर लग रहा है ये पॉजिटिव साइन है क्योंकि डर उससे लगता है और कि जो अपने लाइफ के बारे में बहुत कॉन्शियस होता है और अपने लाइफ के बारे में कॉन्शियस होना सबसे अच्छी बात है ठीक है तो ओके गो बाकी चलो हम हमारा डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे तो इस तरह से आपके इनपुट और आउटपुट पे जीएसटी अलग अलग रेट से लगा है तो इन सिंपल वर्ड यहाँ रेट आपके कुछ भी हो आपने जब परचेस किया तो गवर्नमेंट क्या क्या कहना है? आपने 12 परसेंट का टैक्स दिया हुआ है तो आपको ये पूरा क्रेडिट मिल जाएगा आपने सर्विस परचेस की 18 परसेंट का टैक्स दिया है ये भी आपको क्रेडिट मिलेगा रेट से गवर्नमेंट को कोई कंसर्न कंसर्न नहीं गवर्नमेंट से है आपने ये पैसा दिया हुआ है ना आपके परचेसेस पे इनवर्ट पे तो आपको उसके क्रेडिट मिल जाएंगे मतलब इसका स्टेटमेंट कैसे बनेगा बेटा ओके तो अब बड़ा मजा आएगा और राइट साइड में ओके यहां पे, ओके फटाफट लिखिएगा राइट साइड में फटाफट लिखिएगा Uh, या स्पेस नीचे होगा जहां पे भी स्पेस होगा स्टेटमेंट बहुत अच्छा स्टेटमेंट के दे रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ नेट जीएसटी पेबल नेट जीएसटी पेबल ओके यहां देखिएगा दोस्तों अगर बात आप तक पहुंच जाए तो ओके okay, दाद दीजिएगा अब यहां पे क्या आएगा स्टेटमेंट ऑफ जीएसटी पेबल पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स सी जी एस टी और एस जी एस टी पर्टिकुलर सी जी एस टी और एस जी एस टी तो अब देखो यहां पे मैं लिखूंगा टैक्स ऑन टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई आपका तो टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई कितना बेटा आउटवर्ड सप्लाई आपका टैक्स बयालीस हजार रुपए आपको सी जी एस टी देना है और ट्वेंटी फोर्टी टू थाउजेंड आपको एस जी एस टी देना है ओके टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई ये दोनों आपको देना है उसके बाद में लेस आपको मिलेगा आई टी सी चलो फटाफट देखो लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रेडिट इनपुट टैक्स आपको जो है या, या, आपका अब देखो मैं लिखने का स्टाइल बदल रहा हूँ अब इसमें इनपुट और इनपुट सर्विसेज ऐसा अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है ओके आपको जो है कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट है आपके पास इनर कॉलम में तो इनर कॉलम में सी का टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट इनर कॉलम में सीजीएसटी का टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके पास कितना है तो 6000 प्लस 4500 यानी 10500 आपका 10500 ये इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका सीजीएसटी का आपके पास पड़ा हुआ है टोटल और एसजीएसटी का टोटल ओके यहाँ पे वो भी दस इसलिए अब एक बात आपको ये कहना चाहूंगा बेटा ओके जब भी आप आईटीसी लेते हो ओके अगेंस्ट आउटपुट टैक्स तो ऐसे केस में वन टू वन कोरिलेशन नहीं होता है बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके दिमाग तक घुसनी चाहिए और पसंद हो जाए पसंद आई तो एक मिठाई हो जाए तो ऐसे केस में यहाँ पे इन वन टू वन कोरिलेशन नहीं होता है मतलब क्या ओके okay, मतलब ऐसा है कि भाई इस गुड्स का क्रेडिट इसी गुड्स में लेंगे ओके इस सर्विस का क्रेडिट इसी सर्विस में लेंगे ऐसा वन टू वन नहीं होता है ऐसा बिल्कुल मत करना ओके मतलब ये होता है क्योंकि देखो बेटा सर्विसेज कॉमन गुड्स कॉमन यूज हो रहा है फिनिश गुड बन रहा है वन टू वन कैसे लगाएंगे एक एग्जांपल लो ट्रेडर है ट्रेडर है ग्रॉसरी शॉप है ग्रॉसरी शॉप है, है उसकी तो उसके यहां दो सौ आइटम्स है यार चॉकलेट चॉकलेट में ही वेरायटी है पांच वाली दस वाली बीस वाली पचास वाली अब अगर उसने वन टू वन लगाया कि नहीं ये पाँच वाली चॉकलेट मैंने खरीदी थी उसका क्रेडिट वो जब बेचा जाएगा उसके अंदर लिया जाएगा तो उसको पता है कितने लेजर बनाने पड़ेंगे पांच रुपए रुपए अगर दो सौ तीन सौ आइटम्स हो गए तो दो सौ तीन सौ लेजर बनाने पड़ेंगे और ऐसा वन टू वन वन टू वन वन टू वन वन टू वन लगाना पड़ेगा प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है मेरे डांस मत देखो किसी तुम्हारी अगर पांच रुपए वाली चॉकलेट जो है छह महीने नहीं बेची गई तो आपने क्रेडिट ही नहीं लेगा नहीं मैं क्रेडिट नहीं ये जब बेचा जाएगा ना, तो उसके में ही चलता में कैसा है जो भी इस मंथ और क्वार्टर मतलब आपको जो है टैक्स असेस तो इनवॉइस में करना पड़ता है पर आपको पे मंथली करना पड़ता है जितने भी आपने इन्वाइस बनाए इस मंथ में या क्वार्टर में वो मंथली और क्वार्टरली कुछ केस में क्वार्टर है कुछ केस में मंथ है मैं आगे बताऊंगा तो पूरा टैक्स आपको जो है मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे पे करना पड़ता है तो इस मंथ की टोटल परचेसेस व्हाट एवर इज द रेट कमऑन इस मंथ की टोटल परचेसेस व्हाट एवर इज द रेट उसका टोटल जीएसटी कितना है मैंने की की तो मैंने दुनिया भर के इनपुट खरीदे मैंने खरीदे कैपिटल गुड्स खरीदे ओके तो इंपूर्ट इंपूर्ट जो, जो भी मैंने खरीदे कैपिटल गुड्स का भी मिलता है क्रेडिट में आगे बढ़ा होगा अभी उसको ज्यादा डीप जाओ सिर्फ कंसेप्ट समझ लो तो ऐसे केस में टोटल जो परचेसेस की उसका सीजीएसटी का टोटल कर लो व्हाटएवर इज द रेट एस जी का टोटल कर लो वो इस मंथ का क्रेडिट है आपका और आपने जो भी इस मंथ में सप्लाई किया होगा अब वी स्मार्ट ने बुक सेल किया वीस मार्ट ने ट्रेनिंग कोचिंग सर्विस दिया वी स्मार्ट ने और कोई दूसरी सर्विस दिया होगा जो भी मैंने टोटल सप्लाई किया ऐसा वन टू वन वन टू वन वन टू वन नहीं लगाना है टोटल परचेसेस उसके क्रेडिट टोटल सेल्स उसके क्रेडिट और टोटल क्रेडिट मैं किसी के अगेंस्ट में भी एडजस्ट कर सकता हूं ओके okay, ऐसा नहीं है कि भाई मैंने बुक खरीदी

मुझे थैंक्स तो कहोगी ठीक है तो चलिए बेटा अगर समझ में आया तो जोर से बोलिए हाँ सर समझ में आया ओके okay, सुहानी ओके okay, यहाँ पे मुक्ता नीरज निखिल समझ में आया क्या सबको ओके okay, तो बस जीएसटी वन नेशन वन टैक्स है एक ही लेजर और बेटा कितने लेजर देखो एक बिजनेसमैन को अगर आपने ज़्यादा परेशान किया ना ओके okay, कि नहीं नहीं अलग अलग लेजर बनाओ ऐसे बनाओ ये कंप्लायंस करो वो कंप्लायंस करो वो कहेगा ये रात तुम्हारा जीएसटी और जा यहां से चुपचाप बिल्कुल बिजनेसमैन आपको जो है सपोर्ट नहीं करेगा बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा इसलिए उनको सिंपल गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होनी चाहिए कि भाई मैं टैक्स भी कलेक्ट करूँ और बिजनेस को परेशान भी ना हो और वो सिंपली टैक्स दे तो ही ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो सकता है तो तो सिचुएशन में ऐसे सिचुएशन में यहां पे जो है बेटा ओके मैं आपको आ, ये वन टू वन कोरिलेशन वन टू वन कोरिलेशन नहीं रहता है क्रेडिट सिस्टम में ऑनलाइन ऐप में देखो बेटा दीपेश मैं आपको एक बात कह दू मोबाइल में ना स्क्रीन पूरी दिखती है ना लेक्चर पूरा दिखता है मोबाइल में ठीक है एक आधा लेक्चर ओके लेकिन पूरी क्लास अब मोबाइल में नहीं कर सकते मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है लैपटॉप में कीजिएगा उस पर फोकस होता है ओके नहीं तो मोबाइल में जो छोटे स्क्रीन में फोकस नहीं होता है तो हम फिलहाल तो मोबाइल में नहीं है फ्यूचर में आ सकते हैं अभी तो नहीं है ओके मोबाइल पे हम चलो ओके गुला तो यहाँ पे टोटल मेरा सी जी एस टी आई प्लस आई एस का मिला के यानी आई एंड आई एस का मिला के टोटल मेरा सी जी एस टी दस हजार पांच सौ और एस जी एस टी दस हजार पांच सौ अब इसको देखो बेटा ध्यान से देखिएगा ओके सर एस जी एस टी एंड एस सी जी एस टी रेट डिफरेंट हो सकता है क्या नहीं ये कभी नहीं हो सकता है डिफरेंट रेट बेटा क्यों क्योंकि फुल रेट आधा आधा डिवाइड होता है अगर फुल रेट आधा आधा डिवाइड होता है तो कभी डिफरेंट नहीं हो सकता ओके okay, तो अब बेटा मुझे इतना देना है ये मेरा आउटपुट टैक्स है बियरली फोर्टी टू थाउजेंड मुझे सी जी एस टी देना है और फोर्टी टू थाउजेंड मुझे एस देना है इसके लिए मैं क्रेडिट यूज कर सकता हूं सी जी एस टी का पूरा क्रेडिट मेरे पास दस हजार पांच सौ पड़ा हुआ है एस का पूरा क्रेडिट मेरे पास दस हजार पांच सौ पड़ा हुआ है तो अब अब आप यूटिलाइजेशन स्टार्ट करते कमान यूटिलाईजेशन ये दस हजार पांच सौ का क्रेडिट सी का क्या मैं सी जी एस टी पेमेंट के लिए यूज कर सकता हूं चलो पूजा करते अब ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओके तो चलो शुरू हो जाओ ओके तो यहाँ पे क्रेडिट मेरे पास पड़ा हुआ है सी जी एस टी का क्रेडिट मैं सी जी एस टी के लिए यूज कर सकता हूँ क्या हाँ ओके सी जी एस टी का क्रेडिट मैं एस जी एस टी के लिए यूज कर सकता हूँ क्या नहीं ओके क्रॉस क्रेडिट अलाउड नहीं है इसलिए यहां पे दस हजार पांच सौ का क्रेडिट मैं इसके लिए यूज कर सकता हूं ओके okay. लेकिन एस के लिए नहीं और एस का क्रेडिट मैं सी जी एस टी के लिए नहीं दस हजार पांच सौ इसके लिए यूज कर सकता हूं और मेरी यहां ने टैक्स लाइबिलिटी आएगी ओके okay. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपने लिखना कुछ मत लेकिन जस्ट बता रहा हूँ मैं ओके ये जो है दस हजार पाँच सौ के जगह मेरे पास पचास हजार का क्रेडिट पड़ा हुआ है और ये भी पचास हजार का क्रेडिट पड़ा हुआ है ओके जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ सो सर क्रेडिट ज्यादा हो सकते हैं बिल्कुल हो सकते हैं ओके क्यों क्योंकि हो सकता है इस, इस मंथ में मैंने बहुत सारी परचेस करके रखी हुई है स्टॉक में पड़ा हुआ है ओके ये मंथ मेरा परचेस मंथ था ओके मेरा सीजन आने का है सेल के लिए ओके ठंडी के दिन में मैं स्वेटर बेचूंगा पर पहले परचेस करके रख दूंगा मैन्युफैक्चर करके रख दूंगा, तो ऐसा होता है कि क्रेडिट इस मंथ में ज़्यादा है कैपिटल गुड्स के क्रेडिट ज़्यादा है और सेल्स कम है तो वो जो है बेटा क्रेडिट अब ध्यान से देखिएगा मेरे पास सी का क्रेडिट पचास है एस का क्रेडिट पचास है ओके okay, अब जो भी मैंने परचेसेस किए इनवर्ट सप्लाई क्या ओके okay, सीजीएसटी का क्रेडिट मैं सीजीएसटी में यूज कर लूंगा यस ओके उसके बाद भी मेरे पास बैलेंस है तो क्या मैं एचजीएसटी में यूज कर सकता हूँ नहीं ओके okay, नहीं तो वो कैरी फॉरवर्ड होता है क्रेडिट आपके कैरी फॉरवर्ड होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट मैंने आपको दे दिया क्रेडिट आपके कैरी फॉरवर्ड होते हैं ओके okay, तो यहां पे बेटा ओके okay, इंपॉर्टेंट बात है अभी कंसेप्ट की तरफ ध्यान दो बेटा ओके okay, दीपेश बाकी ऐसे क्वेश्चन में बाद में लूंगा एंडिंग में अभी कंसेप्ट पे फोकस करो तो ऐसे सिचुएशन में बेटा यहां पे ओके okay, आप इस मंथ में यूज करो और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करो नेक्स्ट मंथ में भी आप यूज कर सकते हो उसके नेक्स्ट मंथ में भी यूज कर सकते हो उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है आप जब तक यूज खत्म नहीं होगा तब तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो कैरी फॉरवर्ड वाला कंसेप्ट समझ में आया कि आप सबको ओके यस जोर से बोलिए अगर समझ में आया तो जोर से बोलिए यस सर समझ में आया गया और ओके okay, यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा तो एक मिठाई हो जाए ओके okay, तो ऐसे केस में ओके okay, टाइम पास करते रहोगे मैं ऐसे बीच में तो चलिए तो यहाँ पे हमने देखा तो नेट आपकी जीएसटी लायबिलिटी क्या है बेटा तो आपकी नेट जीएसटी लायबिलिटी देखिएगा नेट जीएसटी लायबिलिटी यहाँ पे कितनी आई बोलो फटाफट ओके okay, तो 42000 माइनस ओके फोर्टी टू थाउजेंड माइनस टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड कितना हुआ थर्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड वेरी गुड ओके ये आपकी लाइबिलिटी आ गई थर्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड यस 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 ऐसा यस चाहिए मुझे ओके सो वेरी गुड राघव यस ठीक है तो ये था आपने आई होप लिख लिया होगा नहीं लिखा होगा तो तू नहीं तो थारो फोटो भी चाल से थारो फोटो नहीं तो फोटो कॉपी भी चाल से फटाफट स्क्रीन ले लो फोटो निकालो स्क्रीन मतलब मोबाइल से फोटो निकाल लो फटाफट ओके मैंने फुल स्क्रीन कर दिया है चलिए बेटा ये सर्विस प्रोवाइडर का तो डायग्राम दे दिया एग्जैक्ट वैसा ही होगा इसलिए रिपीट करने से कोई मतलब नहीं वो मैन्युफैक्चरर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो बात एक ही रहेगी बेटा चलो चलो आ जाओ एक एग्जांपल पे मिस्टर महेश ऑफ पटना सप्लाइड गुड्स और सर्विसेज फॉर रुपीज ट्वेंटी फोर थाउजेंड टू मिस्टर अमिताभ पटना महेश ऑफ पटना ट्वेंटी फोर थाउजेंड के गुड्स अमिताभ पटना पहले मुझे बताओ दोनों पटना के हैं तो इंटरस्टेट है या इंट्रा स्टेट है इंटरस्टेट है या इंट्रा स्टेट है इंट्रा स्टेट है, है बेटा वेरी गुड उसके बाद में मिस्टर महेश परचेज गुड्स और सर्विसेस ट्वेंटी थाउजेंड ऑन विच सी जी एस टी एटीन हंड्रेड नाइन परसेंट एस जी एस टी एटीन हंड्रेड इज पेड ऑन परचेज फ्रॉम स्वामी ऑफ पटना परचेज भी लोकली है पटना की है परचेसेज भी क्या लग क्या है सी जी एस टी और एस जी एस टी फाइंड द फॉलोइंग देखो स्टडी करने का तरीका है पहले मैंने आपको थेरी कंसेप्ट पढ़ाया फिर उसी चीज़ को पिक्चर में लिया अब उसी चीज़ को प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ले रहा हूं तो देखो आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हो रही है और यही तो हम जीएसटी में देखेंगे बेटा मैं कोई भी आपको सडनली ऐसा नहीं करूंगा कि कंसेप्ट और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं मैं उसको पिक्चर्स में लेता हूँ और बेटा सी फिल्म में ऑके okay, सबसे पहले कलर्ड नोट्स इंटर लेवल पे वी स्मार्ट ने मैंने जीएसटी में लॉन्च की थी ऑके okay, 2014 में

एक ताली हो जाए ओके मजाक कर रहा हूं ओके ऐसे टाइम पास करते रहोगा ठीक है तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे बेटा जहां तक देखा जाए तो अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेते हैं उन्होंने पूछा क्या है टोटल प्राइस आपको निकालना है जीएसटी रेट 18 परसेंट है हु इज लाइबल टू पे जीएसटी और तीसरा नेट लाइबिलिटी ऑफ जीएसटी तो चलिए अब यहाँ पे स्पेस होगी तो अच्छी बात है नहीं तो हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं ओके okay. पहला आंसर लेना है डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल प्राइस मेरे साथ फटाफट फ़्ट सॉल्व करो डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल प्राइस ठीक है यहां पे पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट इन रूपीज वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज 24,000 फोर थाउजेंड इंटरेस्ट रेट सप्लाई उस सी जी एस टी एट द रेट नाइन परसेंट एस जी एस टी रेट एट द रेट नाइन परसेंट तो ट्वेंटी फोर थाउजेंड इंटू नाइन परसेंट टू वन सिक्स जीरो आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो ना सभी तो टोटल प्राइस आ गई ओके ट्वेंटी एट थाउजेंड थ्री ट्वेंटी ठीक है चलो तो ये सेकंड हु इज लाइबल टू पे टैक्स मिस्टर महेश मिस्टर महेश अ सप्लायर इज लाइबल टू पे टैक्स सी जी एस टी टू वन सिक्स जीरो एंड एस जी एस टी टू वन सिक्स जीरो ठीक है ये तो हो गया अब इतना उसको पेबल आएगा आउटपुट टैक्स आएगा पर नेट लाइबिलिटी कितनी होगी वो इतना नहीं देखा ये तो आउटपुट टैक्स निकला पर वो इतना नहीं देखा कितना देगा तो थर्ड डिटर्मिनेशन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ नेट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर महेश मिस्टर महेश अब ये टेबल देख लेना टेबल कैसे बनाना है ठीक है जब भी आप नेट टैक्स लाइबिलिटी बनाओ तो ये आपका आईटीसी टेबल कैसे होना चाहिए ठीक है इस पर ध्यान दीजिएगा पर्टिकुलर सी जी एस टी एस जी एस टी टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई कितना है बेटा टू वन सिक्स जीरो टू वन सिक्स जीरो लेस आई टी सी अब उसने किस से परचेज किया था बेटा उसने मुत्थु स्वामी ऑफ पटना से परचेज किया था आ, और उसके ऊपर सी जी एस टी पे किया अठारह और एस जी एस टी पे किया अठारह तो आई टी सी इनर कॉलम में सी जी एस टी एटीन हंड्रेड और एस जी एस टी एटीन हंड्रेड तो चलो यूज करेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि हम लेस करने वाले हैं इसलिए ब्रैकेट में सी जी एस टी का क्रेडिट इधर ले लिया इधर क्रॉस क्योंकि इधर नहीं मिलेगा एस जी एस टी का क्रेडिट आपने इधर ले लिया और इधर क्रॉस सॉरी 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 मेरे से गलती होगी गलती करना कभी अच्छी बात होती है कंसेप्ट समझ में आते हैं ओके okay, तो बेटा यहाँ पे क्रेडिट ले लिया तो आपकी नेट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर महेश नेट टैक्स लाइबिलिटी कितनी आई बेटा ओके okay, तो 2160 सिक्स माइनस एटीन हंड्रेड यह आ गई आपकी 360 और 360 सिक्सटी डन य आपकी नेट टैक्स लाइबिलिटी आ गई ये प्रॉब्लम समझ में आया बेटा ठीक है जिसके पास नोट्स नहीं है फोटो निकालो वेरी गुड सुहानी वेरी गुड आशीष सही है चलो एक और प्रॉब्लम इससे थोड़ा एडवांस लेवल का आर यू रेडी फॉर दैट ओके सभी रेडी है एडवांस लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अच्छे से समझ में आया यस और नो ओके द बिलो केस पर्टेन टू लोकल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेट अप्लीकेबल फॉर सीजीएसटी और एसजीएसटी जी एस नाइन परसेंट रिस्पेक्टिवली ठीक है <coughs> supply of goods or services by Mr. A to me B, the value of which is ten thousand. Okay, मैं rough में लिख रहा हूँ A to B जो है supply हुआ जिसकी value जो है दस हजार रुपए है, ठीक है? Calculate total price charge by Mr. A to B and also state the amount of credit available by Mr. B. ठीक है? आपको टू बी की टोटल प्राइस निकालनी है और बी को कितना क्रेडिट मिलेगा यानी टोटल प्राइस निकालनी है और B को कितना क्रेडिट मिलेगा ये भी बताना है ठीक है अज्यूमिंग दैट देर इज अ वैल्यू एडिशन ऑफ ट्वेंटी परसेंट ऑन सप्लाई ऑफ़ गुड्स और सर्विस बाय बी टू सी बी आगे सी टू सी को सप्लाई कर रहा है विथ ट्वेंटी परसेंट वैल्यू एडिशन देखो कितना जरूरी था वैल्यू एडिशन कंसेप्ट पढ़ाना क्योंकि अब प्रॉब्लम में वैल्यू एडिशन वर्ड आ गया ना अगर मैं आपको ये बोल देता और वैल्यू एडिशन तो आपको कहाँ से क्लिक होता मैंने वहाँ से डोर बांधिए बेटा और वहां की डोर बांधते 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 मैं यहाँ पे आया हूँ आज वैल्यू एडिशन आपको ऐसा हार्ड नहीं जा रहा है ओके okay, तो ट्वेंटी वैल्यू एडिशन किया उसने तो आगे उसने सी को टोटल प्राइस कितना चार्ज किया वो बताना है

जगह है बेटा मैंने दिया हुआ है दो कॉलम करने की जरूरत नहीं है ओके okay, आपको पांच छह ऐसे हमारे स्टेटमेंट आएंगे कवर हो जाएगा पहले तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्राइस चलो फटाफट कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्राइस टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर ए टू मिस्टर बी हाँ वैल्यू ऑफ सप्लाई वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस दस हज़ार जीएसटी रेट कितना दिया नाइन नाइन इंटरेस्ट रेट सप्लाई है जीएसटी एट द रेट नाइन परसेंट और एस जी एस टी एट द रेट नाइन परसेंट ठीक है ओके okay. तो कितना हुआ नौ सौ रुपये और नौ सौ रुपये टोटल कितना हुआ ग्यारह हज़ार आठ सौ रुपये ओके टोटल कितना हुआ ग्यारह हजार चल लो ये तो हो गया उसके बाद में यहाँ पे हमने टोटल प्राइस चार्ज निकाल लिया टोटल प्राइस चार्ज ये तो हमने यहाँ पे निकाल लिया वेरी गुड चलो अब आगे बढ़ते हैं आगे यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा उन्होंने ये पूछा कि बी को कितना मिलेगा क्रेडिट तो देखो ए ने बी को बेचा तो ए के लिए आउटवर्ड है तो बी के लिए कितना, क्या है बेटा इनवर्ड यानी जितना ए ने जीएसटी चार्ज किया 900 900 उतना बी को क्रेडिट मिल जाएगा तो 900 और 900 हंड्रेड बी को क्रेडिट मिलेगा तो लिखो ओके आईटीसी अवेलेबल टू मिस्टर बी आई टी सी अवेलेबल टू मिस्टर बी सी नाइन हंड्रेड एंड एस जी एस टी नाइन हंड्रेड उसको नौ सो नौ सौ रुपए का जी एस टी क्रेडिट मिलेगा वेरी गुड अब आगे क्या बोलते हैं एज्यूमिंग दैट देर इज अ वैल्यू एडिशन ट्वेंटी परसेंट ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाई बी टू सी कैलकुलेट टोटल प्राइस चार्ज तीसरा कैलकुलेशन ऑफ सिंपल प्रॉब्लम है ये एग्जाम में पूछा हुआ है और ऐसे प्रॉब्लम अगर एग्जाम में पूछे तो मार्क्स मत छोड़ना पांच मार्क्स के लिए क्वेश्चन है एग्जाम में ये ओके कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर बी टू सी बी टू सी ने ओके okay, कितनी टोटल प्राइस चार्ज की है तो ऐसे केस में ओके okay, वैल्यू अब मैं उसको ऐसे लिखता हूँ तो ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन आएगा कॉस्ट ऑफ परचेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज आपकी कॉस्ट ऑफ परचेस कितनी है ओके okay, आपकी परचेस कॉस्ट दस हजार है बी की और ये आईटीसी है तो उसकी टोटल प्राइस ग्यारह हजार आठ सौ हजार ही है क्योंकि इसके आईटीसी मिलने वाले रुपए के उसका आईटीसी मिलने वाले हैं इसलिए ये ये कॉस्ट में ऐड नहीं होता है अब मैं ये बार बार नहीं बताऊंगा जिसको नहीं समझा बेटा ओके तो वो एक बार मेरे पुराने लेक्चर वापस से देखे तब भी नहीं समझा तो बेटा मेरे लिए फिर मुश्किल है समझाना लेकिन हमारी कॉस्ट दस हजार रुपए होगी क्योंकि बाकी तो क्रेडिट मिलने वाला है तो मेरी कॉस्ट दस हजार रुपए ही है ठीक है एड वैल्यू एडिशन ये वैल्यू एडिशन कितना कर रहा है तो ये दो हजार रुपए ये एडिशन कर रहा है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना वैल्यू ऑफ सप्लाई हुआ ओके okay, okay, उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा तो सी जी एस टी एट द रेट नाइन परसेंट और एस जी एस टी एट द रेट नाइन परसेंट तो बारह हजार नाइन परसेंट तो कितना हुआ एक हज़ार अस्सी और ये हुआ एक हज़ार अस्सी ओके तो ये जो हुआ टोटल कितना हुआ तो यहाँ पे बारह हज़ार ओके प्लस एक हज़ार अस्सी प्लस एक हज़ार अस्सी यहाँ पर तो यहाँ टोटल चौदह हज़ार एक सौ साठ रुपये ओके ये टोटल प्राइस हुई टोटल प्राइस हुई ओके okay, तो देखो आपको यहाँ पे मार्क्स कैसे है ये बराबर एक मार्क मिल गया ये बराबर एक मार्क मिल गया स्टेप्स को मार्क्स आते हैं ये बराबर एक मार्क मिल गया पाँच मार्क के लिए क्वेश्चन आया तो ये सही ये सही सही एक एक मार्क मिलते जाएगा चलो और मार्क लेते हैं ऐसे ना एक एक मार्क के लिए लड़ना चाहिए एक एक मार्क के लिए लड़ना चाहिए क्यों लड़ना चाहिए क्योंकि बेटा ओके इंटर में ऐसा है कि अगर आपको सिक्सटी या अबो मिल गए तो वो सब्जेक्ट एग्जाम्ट हो जाता है और बाद में आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती वैसे तो मेरी बेस्ट विशेष है कि आप पहले अटैम्प में ही इंटर हो जाओ लेकिन अगर आपको एक्जामेशन मिल जाए तो वो सब्जेक्ट बाद में देने की जरूरत नहीं पड़ती है तो बेटा तो, ओके ये हाफ मार्क या वन मार्क का इंपॉर्टेंस का पता चलता है पता है क्या जब आपकी टोटल फिफ्टी नाइन एंड हाफ होती है ना तो वो सिक्सटी होता है और जब आपकी टोटल फिफ्टी नाइन पर अटक जाती है ना तो नेक्स्ट अटैम्प में देना पड़ता है इसलिए ऐसे ना जब भी आप सॉल्व करके देखो ना तो अपने आप को ही एग्जामिनर बनाना चलो ये सही था इसको आधा मार्क ये गलत था स्टेप्स को एक मार्क और इतना मज़ा आता है ना बॉस मैंने पढ़ा ना जब मैं ऐसे लिख के देखता था टेस्ट में सॉल्व करता था बाकी कोई नहीं मैं अपना पेपर असेस करता था खुद ही एग्जामिनर बन जाता था और मैं ही अपना कर रहा हूँ अपुन अपुन कैच करेंगे बॉस ओके okay, तो यहां पे जहां तक देखा जाए तो यस yes. तो चौदह हजार चौदह हजार एक सौ सोट ओके नौ अब नेक्स्ट स्टेप क्या बेटा नेक्स्ट स्टेप डिटर्मिनेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेट जीएसटी पेबल पेबल

तो बेटा ये इसका आउटवर्ड सप्लाई क्या था बी का बी ने जब सी को बेचा तो ये उसका आउटवर्ड सप्लाई था जिसमें सी जी एस टी एक हज़ार अस्सी एक हज़ार अस्सी आया ओके okay. तो ये हुआ उसका एक हज़ार अस्सी और एक हज़ार अस्सी बेटा आपके आंसर वो फाउंडेशन भूल जाओ आंसर को मार्क्स नहीं आते आप लिखोगे स्टेप्स लिखोगे उसको मार्क्स है इंटर और फाइनल लेवल पे। आप लिखते क्या वो इम्पोर्टेंट है ओके okay, आप दिखते क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं है ठीक <laughs> है तो ये आदत कैलकुलेटर वाली नेट अमाउंट ये फाउंडेशन वाली आदत छोड़ दो प्रेजेंटेशन चाहिए मुझे ओके okay, तो यस ओके लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी मेरे पास सीजीएसटी का आईटीसी कितना था नौ सौ रुपये ओके एच जी एस टी का आई टी कितना था नौ सौ रुपये चलो यूज़ करना चालू कर देते हैं सीजीएसटी का आईटीसी सीजीएसटी के लिए यूज़ कर देंगे इसके लिए नहीं एच जी एस टी का आई टी एच जी एस टी के लिए यूज़ करेंगे इसके लिए नहीं तो आपकी नेट टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ गई तो नेट जी एस टी लाइबिलिटी ओके यहाँ पे हमारी आ गई कितनी बेटा तो एक हज़ार अस्सी माइनस नौ सौ वो आ गया वन एटी ओके वन एटी आ गया आपका और ये भी वन एटी ओके तो जोर से बोलो जय माता दी ओके okay, वन एटी वन एटी लाइबिलिटी आ गई यहाँ तो एक और मार्क मिल गया चलो एक मार्क यहाँ पे और मिल गया है थैंक यू कहो यस ओके okay, तो आपको ये पॉइंट तो समझ में आया होगा ओके okay, अब एक और स्टेप आखिरी में क्या बोलते हैं वो ओके okay, स्टेटमेंट शोइंग रेवेन्यू अन बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट तो ये भी स्टेटमेंट बना के दो कि दोनों ने रेवेन्यू क्या अर्न किया पूरे सब ट्रांजेक्शन यानी जब गुड्स ए से सी तक गया सेम गुड्स तो कितना रेवेन्यू गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने कितना कमाया वो भी तो बताओ बेटा तो चलो गवर्नमेंट ने कितना कमाया वो भी बता देते हैं तो पाँच नंबर पर आखिरी वाला मार्क ले लेते हैं बेटा ये आखिरी वाला मार्क बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो क्या स्टेटमेंट शोइंग तो ये हमारी मार्किंग बढ़ाएगा और हम हमको टैक्स सब्जेक्ट में अबो एटी सब्जेक्ट ला के 80 मार्क्स ला के देगा ओके स्टेटमेंट शोइंग शोइंग गवर्नमेंट रेवेन्यू गवर्नमेंट रेवेन्यू ओके तो गवर्नमेंट रेवेन्यू निकालते बेटा तो चलिए ओके okay, यहाँ पे पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स ओके सी जी एस टी का रेवेन्यू कितना और एस जी एस टी का रेवेन्यू कितना ओके okay. सेंट्रल का मैं सी जी एस टी का नहीं कहूंगा सेंट्रल का रेवेन्यू कितना और सेंट्रल का कितना और स्टेट का कितना आई क्या बात आपकी समझ में ओके okay, तो यस yes, आशीष सही है ओके okay, यहाँ पे चार्ट में आप सी भी आंसर बता सकते हो लेकिन मैं ये सोच के चलूंगा अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आप लिख रहे हो आप लिख रहे हो तो यहां पे पर्टिकुलर्स ओके सेंट्रल ने कितना कमाया पहला ट्रांजेक्शन ए टू बी में हुआ और ए टू बी के ट्रांजेक्शन में सेंट्रल ने तो पूरा 900 सौ रुपए कमाया ओके okay, तो यहाँ 900 रुपए सेंट्रल को गए और 900 रुपए स्टेट को गए फिर दूसरा ट्रांजेक्शन बी टू सी में हुआ तो बी टू सी में सेंट्रल ने नेट कितना कमाया तो बी टू सी में नेट एक सौ रुपए और एक सौ रुपए गवर्नमेंट को नेट आया क्रेडिट के बाद ओके okay, ₹180 रुपे, ₹180 रुपे. तो टोटल रेवेन्यू गवर्नमेंट का ओके okay, टोटल रेवेन्यू कितना हुआ तो टोटल रेवेन्यू गवर्नमेंट का 1080 1080 ओके okay, तो आई आपको बात समझ में यस और नो ओके आई के बात समझ में चलो अगर किसी को फोटो निकालना है तो निकाल सकता है ठीक है चलो ये डिस्कशन हमारा यहाँ एंड हुआ अब मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आई आईजीएसटी आई का फ्लेवर एड करते हैं अभी तो हम सी और एच का ही देख रहे थे लेकिन अब जो है आई का ही फ्लेवर एड करते हैं मतलब क्या मतलब मैं थोड़ा आपको समझाना चाहता हूं आप जो है ओके okay, सप्लायर हो सप्लायर हो बिजनेस मैन हो आपने गुड्स जो है आपकी ट्रेडिंग शॉप है लैपटॉप शॉप है आपने अदर स्टेट से भी गुड्स खरीदा है अदर स्टेट से भी गुड्स खरीदा है कुछ लैपटॉप अदर दिल्ली से बुलाए ओके पुना में मेरी लैपटॉप शॉप है गुड्स लैपटॉप मैंने दिल्ली से मंगवाए कुछ लोकल से मंगवाए ओके कुछ लोकल से मंगवाए गुड्स ओके okay, कुछ सर्विसेज़ मैंने यूज़ की ओके लोकल सर्विसेज यूज़ की ओके okay, कुछ अदर स्टेट की सर्विसेज यूज़ की ओके okay, ऐसे गुड्स और सर्विसेज यूज़ करके मैंने गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई किया सप्लाई मेरा इंट्रा स्टेट भी हो सकता है और सप्लाई मेरा इंटर स्टेट भी हो सकता है ओके okay, और आजकल एक से स्टेट से दूसरे स्टेट में बिजनेस करना कौन सी बड़ी बात है इतना ई e कॉमर्स हो गया अमेजोन हो गया सब हो गया ओके okay, उसमें कोई बड़ी बात नहीं रही हम कोई भी स्टेट से परचेस कर सकते हैं और कोई भी स्टेट से परचेस कर सकते हैं तो ऐसे केस में क्या होगा अदर स्टेट से आया ना आई जी लग के आया सेम स्टेट से खरीदा है सी जी एस टी प्लस एस आपको लग के आया सी सीजीएसटी प्लस एस लग के आया से तो आई जी एस टी लग के आया हमने इसी मंथ में ओके स्टेट किया इसलिए सी जी एस टी एस जी एस टी हमको लगा ओके और इसी मंथ में हमने स्टेट किया तो आई जी एस टी लग गया बेटा ओके ये आई जी एस टी हमें लग गया तो इन शॉर्ट अब ये ऐसा बिजनेस मैन है ओके जो लोकल परचेस करता है बाहर की परचेस करता है ओके दो ऐसी अलग अलग परचेस करता है ठीक है ओके तो अब यहां पे ध्यान से देखिएगा कि आप अगर अलग अलग परचेस कर रहे हो तो अब आपके केस में क्या हो सकता है आपके इनपुट में आपके इनपुट टैक्स में इनपुट टैक्स में अब तीन टैक्स हो सकते हैं आईजीएसटी भी हो सकता है टोटल इस मंथ का आईजीएसटी टोटल इस मंथ का एसजीएसटी टोटल इन मंथ का एस ओके सीजीएसटी और एसजीएसटी और आपके आउटपुट में आउटपुट में ओके आईजीएसटी आपने इंटरस्टेट सप्लाई किया होगा ओके सीजीएसटी भी होगा और एसजीएसटी भी होगा तो अब क्रेडिट यूटिलाइजेशन कैसे होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे तो बेटा

आई जी एस टी सी जी एस टी और एस जी एस टी ओके तो इस मन का यहां पे टोटल जो भी होगा चलिए तो अब यहां लॉ ये कहता है जो सेक्शन 49 में आगे पढ़ा होगा लॉ ये कहता है कि अगर आपके क्रेडिट में आई भी है तो सबसे पहले क्रेडिट आई जीएसटी का यूज करो सी जीएसटी एस जीएसटी नहीं यानी आप जीएसटी पोर्टल पे जाओगे जो कॉमन पोर्टल ऑनलाइन पोर्टल बनाया है वो आपको पहले आईजीएसटी यूज करवाएगा सबसे पहले आईजीएसटी यूज करो उसको खत्म करो और उसको खत्म करने के बाद ओके फिर हम यूज करेंगे सी जी एस टी और एस जी एस टी ठीक है पर यहां पे पहले आई खत्म करो फिर सी जी एस टी एस जी एस टी इसमें ऐसा नहीं कि पहले सी जी एस टी खत्म करो फिर एस जी एस टी खत्म करो ओके okay. पहले उनको कंड, उनकी कंडीशंस बस इतनी है कि सबसे पहले क्या खत्म करो आई जी एस टी आई रिपीट सबसे पहले क्या खत्म करो बेटा आई जी एस टी तो अब आई जी एस टी समझ लो मेरे इनपुट पे ध्यान सुनिएगा मेरे इनपुट पे आई जी एस टी लग के आया तो अब वो यूज करना है तो अब उनकी कंडीशन क्या है पहली कंडीशन है आई जी एस टी का क्रेडिट सबसे पहले अगर आपके आउटवर्ड सप्लाई में आई रिपीट अगर आपके आउटवर्ड सप्लाई में आईजीएसटी होगा तो उसके पेमेंट के लिए यूज करो अगर आपके आउटवर्ड सप्लाई में आईजीएसटी होगा तो उसके पेमेंट के लिए यूज करो क्लियर यस और नो उसके पेमेंट के लिए यूज करो आईजीएसटी हाँ उसके बाद में भी बैलेंस है उसके बाद में भी बैलेंस है समझ लो आपके पास दो सौ रुपए का आईजीएसटी है और आपके आउटवर्ड में सौ रुपए का ही आई जी एस टी है ओके तो अस्सी रुपए का सी जी एस टी लग रहा है अस्सी रुपए का एस जी एस टी लग रहा है आपके आउटपुट में तो पहले आपका क्रेडिट जो है आई जी एस टी में यूज कर लिया चलो आई जी एस टी में यूज कर लिया यहां बैलेंस सौ रुपए बच गया अब ये सौ रुपए का बैलेंस आप सी जी एस टी में भी यूज कर सकते हो एस जीएसटी में भी यूज कर सकते हो और कोई भी रेशियो में यूज कर सकते हो अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आप सौ रुपया पूरा सीजीएसटी में यूज कर लो सर आईजीएसटी के क्रेडिट सीजीएसटी में अलाउड है हाँ अलाउड है तो ही तो बेटा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है कुछ इमेजिन करो वो ये स्टेट को कि ये स्टेट आगे उसका क्रेडिट देगा डेस्टिनेशन स्टेट तो ये क्रेडिट आप सीजीएसटी में पूरा यूज कर सकते हो ये क्रेडिट आप एस में पूरा यूज कर सकते हो ये क्रेडिट एनी का मतलब ओके okay, पूरा सीजीएसटी में पूरा एस में आपकी मर्जी आपको किस में यूज करना है या हंड्रेड को आप फिफ्टी फिफ्टी भी यूज कर सकते हो हंड्रेड को आप किसी भी रेशियो में यूज कर सकते हो तो ओके ट्वेंटी एटी या हंड्रेड को आप सेवनटी थर्टी या फोर्टी सिक्सटी कोई भी रेशियो में आप यूज कर सकते हो आपकी मर्जी लेकिन क्लास में हारमोनी रखने के लिए आई रिपीट क्लास में हारमोनी रखने के लिए ओके okay, हम जो है फिफ्टी फिफ्टी यूज किए तो भी चलेगा जनरली हम प्रैक्टिस में भी फिफ्टी फिफ्टी हमको तो फ्री कर दिया है मुझे किस जिसमें यूज करना है उसमें यूज कर सकता हूं पूरा जीएसटी पूरा एसजीएसटी या फिर कोई भी रेशियो में एनी का मतलब कोई भी रेशियो में मैं यूज कर सकता हूं क्लियरली समझ में आई क्या आपको ओके okay, क्लियरली समझ में आई होगी तो जोर से बोलो हा सर ओके okay, हाँ okay, और एक मिठाई हो जाए ठीक है तो यहां पर बोलो फटाफट आई क्या बात समझ में Uh, नहीं शुभम हंड्रेड को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते आपके पेबल आ रहे हैं सी और एस के तो आपको यूज करना ही पड़ता है वो सॉफ्टवेयर uh, ही कर लेगा आपको भी जरूरत नहीं है जीएसटी का कॉमन सॉफ्टवेयर भी कर लेगा वेरी गुड यशिका ओके उसके बाद में आशीष गुलाब हर्षा वेरी गुड ओके okay, जो भी कनेक्टेड सर आईजीएसटी को पहले खत्म करने का क्या रीजन है अरे बाप रे इसपे तो बारह जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई बेटा और फिर ये डिसीजन लिया गया पहले ऐसा नहीं था पहले आप कोई भी इसमें था लेकिन फिर 2018 में 19 में बहुत डिस्कशन हुआ क्योंकि आई के 50 परसेंट पेमेंट जो है ओके okay, वो सेंट्रल से रिलीज नहीं होते थे उसके बाद में आई ओपन क्रेडिट था तो लोग आई को बचा के रखते थे पहले रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट क्योंकि इनके क्रॉस क्रेडिट अलाउड नहीं थे इसलिए ये यूज़ कर लेना आई को कैरी फॉरवर्ड करना आई को यूज़ ही नहीं करना उसको कैरी फॉरवर्ड करते बैठना ओके okay, तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ने जो है ओके okay, जो देखा कि लोग आई को बचा के रख रहे हैं और सीजीएसटी हैं इसलिए गवर्नमेंट ने उल्टा कर दिया गवर्नमेंट ने एक तरह का रिस्ट्रिक्शन डाल दिया कि पहले IGST को खत्म करो और आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ यानी हम भी प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम में पहले इनर कॉलम में लिखेंगे आपको याद आ रहा है आई टीसी के नीचे इनर कॉलम इनर कॉलम में हम क्रेडिट लिखते हैं तो पहले हम आई जीएसटी के क्रेडिट लिखेंगे फिर सीजीएसटी और फिर एसजीएसटी के और इधर भी आउटवर्ड में आउटवर्ड में हमारा टेबल भी ऐसा होगा आउटवर्ड में पहला कॉलम आई जी एस टी रहेगा सी जीएसटी और आई जीएसटी रहेगा और आई के इनर कॉलम में पहला आई जी एस टी सी रहेगा और हम फिर ऐसा यूज करना चालू करेंगे आई के बाद समझ में बेटा यस चलो तो यहाँ पे ये हमने देखा रिगार्डिंग यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी एक बार फिर से हो जाए आईजीएसटी का क्रेडिट पहले आईजीएसटी में ये रिस्ट्रिक्शन है पहले तो आईजीएसटी में और फिर बच गया तो आप कोई भी रेशियो में सीजीएसटी और एस में यूज कर सकते हो लेकिन हमारे क्लास में हारमोनी रखने के लिए ओके okay, मैं फिफ्टी फिफ्टी यूज़ करूंगा ओके जस्ट टू मेंटेन द हारमोनी इन क्लास क्योंकि सबके आंसर मैच होने चाहिए इसलिए अदरवाइज आप बाय लॉक कोई भी रेशियो में यूज़ कर सकते हो फिर हम ओके आईजीएसटी एग्जॉस्ट हो गया एग्जॉस्ट होने के बाद हम आगे की बात करेंगे है. आगे क्या बेटा सीजीएसटी सीजीएसटी का क्रेडिट ओके okay, आप सीजीएसटी में और आईजीएसटी में दोनों में भी यूज कर सकते हो यानी आपके परचेस पे सीजीएसटी लगा तो आपको सीजीएसटी के लिए यूज करना है उसके लिए और बाद में आईजीएसटी के लिए यूज करना है तो आईजीएसटी के लिए यूज कर सकते हो मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी के लिए अलाउड नहीं है पर आईजीएसटी ओपन है आईजीएसटी ओपन है क्रेडिट लेने के लिए भी ओपन है और पेमेंट के लिए भी ओपन है आईजीएसटी के पेमेंट के लिए आप ओके आईजीएसटी भी यूज कर सकते हो सीजीएसटी भी यूज कर सकते हो और आगे एसजीएसटी भी यूज कर सकते हो तो पर सिर्फ किसमें अलाउड नहीं है बस एक ही लाइन में याद रखो यार सीजीएसटी का एसजीएसटी में और एसजीएसटी का सीजीएसटी में ये क्रॉस क्रेडिट अलाउड नहीं है ओके अब देखेंगे और यूटीजीएसटी ओके एसजीएसटी और यूटीजीएसटी मैंने अगर यूटीजीएसटी नहीं भी कहा होगा तो जो प्रोविजन मैं एस जीएसटी के लिए कहूंगा वही यूटीजीएसटी तो यहां पर एस जीएसटी का क्रेडिट ओके क्रेडिटीएसटी में या यूटीजीएसटी का क्रेडिट पहले यूटीजीएसटी में और बाद में आई जीएसटी में उसमें यूज करना अलाउड है बेटा ओके तो आपको किस तरह से यूज करना है पहले आईजीएसटी को खत्म करना है फिर सी जी एस टी और एस जी एस टी और कि ये हम यूटिलाइजेशन के लिए लेंगे हाँ इनके क्रेडिट सी जी एस टी और एस जी एस टी और बैलेंस है और आपका आई जी एस टी पेबल आ रहा है तो आई जी एस टी में भी आप यूज कर सकते हो आई होप यू अंडरस्टूड आई होप यू अंडरस्टूड येस और नो ओके okay, जो अगर समझ में आ गया बेटा ये बात अगर समझ में आई होगी तो डेफिनेटली बेटा अब आपके लिए जीएसटी मैंने आसान कर दिया है समझने के लिए ओके okay, यही तो थोड़ा मुश्किल जाता है बहुत सी बात स्टूडेंट को समझने के लिए और आपके यहाँ बिजनेस होगा तो जरूर जीएसटी रिटर्न देखो पापा को बोलो सर जी एस हमें देखना है पापा या थ्री हमें देखना है देखो तो कैसा नहीं नहीं समझ में आएगा थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा जी एस टी ये क्या रहता है ये तो समझ में आएगा कॉमन पोर्टल तो समझ में आएगा नहीं कनिका आई का, का पूरा रेवेन्यू सेंट्रल का नहीं होता है आई का 50 परसेंट सेंट्रल रखती है और बाकी स्टेट को बांट देती है ना डेस्टिनेशन स्टेट को नहीं नहीं बेटा वो फॉर्मूला गवर्नमेंट ने बना के रखा है कनिका उसमें लॉस नहीं होगा मैं कह रहा हूँ उसमें लॉस नहीं होगा आगे स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है जब जीएसटी हम चालू करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि उसमें लॉस नहीं होता है वो गवर्नमेंट ने बराबर बांट के रखा है जीते सर आई का क्रेडिट यूटी जीएसटी के लिए ले सकते हैं क्या यस आईजीएसटी का क्रेडिट यूटीजीएसटी जीएसटी जहां जाए एस जी एस टी वहां यूटी ओके जहां जहां एस जी एस टी क्योंकि आप अगर यूनियन टेरिटरी में है तो यूटीजीएसटी वो डिफॉल्ट समझ के चलो ओके चलो यहां पे आगे बढ़ते हैं यस यहां तक समझ में आया सबके जोर से बोलो हाँ ओके चलिए पहले छोटे छोटे प्रॉब्लम फिर छोटे छोटे होके बड़े बड़े प्रॉब्लम देखेंगे चलिए मिस्टर संता ऑफ जलंधर सप्लाइड गुड्स और सर्विसेज ट्वेंटी थाउजेंड टू मिस्टर गजनी ऑफ हैदराबाद ओ ये तो इंटरस्टेट हो गया एस सीजीएसटी सी रेट सप्लाई नाइन परसेंट इच दिया भी होगा प्रॉब्लम पर जस्ट टू कंफ्यूज यू ओके जस्ट आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं ये तो इंटर स्टेट सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई तो क्या लगेगा आई जी एस टी आपको क्या निकालना है टोटल प्राइस चार्ज बस संता टू पी जी एस टी अरे ये तो बहुत ही इजी पीजी है ओके okay, चलो सॉल्व कर लेते हैं ओके यहां पर लिखो कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्राइस चार बाय मिस्टर संता संता बनता ओके तो चार्ज बाय मिस्टर संता चलिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई बीस हजार रुपये का है उसके ऊपर वो ओनली आईजीएसटी चार्ज करेगा एट द रेट एटीन परसेंट तो कितना आएगा बीस हजार का एटीन परसेंट तीन हजार छ सौ तो टोटल प्राइस चार्ज टोटल प्राइस चार्ज कितना तेईस हजार छ सौ टोटल प्राइस तेईस हजार छ सौ हो गया है चलो हु इज लाइबल टू पे जीएसटी संता बनता ओके तो यहाँ पे मिस्टर संता इज लाइबल टू पे जीएसटी वेरी गुड मिस्टर संता इज लाइबल टू पे जीएसटी ग्रेट यहां पे आई भी लिख दिया तो चलेगा कितना आ रहा है उसका आई जीएसटी तीन हजार छह सौ चलो बहुत ही सिंपल सिंपल प्रॉब्लम था बेटा आपको सिंपल इसलिए लग रहा है क्योंकि <coughs> मैंने कुछ नहीं कहा मैंने कुछ नहीं कहा ठीक है <laughs> चलो आगे बढ़ते हैं मिस्टर ऑफ गुजरात सप्लाइड गुड्स एंड सर्विसेज थर्टी फाइव थाउजेंड टू मिस्टर अहमदाबाद ओके गुजरात अहमदाबाद कहा है बेटा गुजरात में ही है तो मतलब ये हुआ ये तो इंटरस्टेट सप्लाई हुआ ठीक है ये तो इंटरस्टेट सॉरी ही हुआ विद इन टाइम विद इन सेम स्टेट है मिस्टर चंदूलाल परचेज गुड्स और सर्विसेज ट्वेंटी थाउजेंड ऑन विच सी जी एस टी और एच जी एस टी पेड एंड परचेस सॉरी यहां पे एक करेक्शन कर लो मिस्टर चंदूलाल परचेस ट्वेंटी थाउजेंड ऑन विच आई जीएसटी पेड़ लिखो सिर्फ आई पेड़ एंड परचेस फ्रॉम मिस्टर शाह महाराष्ट्र महाराष्ट्र से परचेस किया बेटा और उसके ऊपर आई जी एस टी दिया एसजीएसटी सीजीएसटी रेट ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स नाइन परसेंट ईच ठीक है

बाय मिस्टर चंदूलाल बाय मिस्टर चंदूलाल चलो यहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई वैल्यू ऑफ सप्लाई ये जो है कितना है थर्टी फाइव थाउजेंड उसके बाद में उसने बेचा जो है खरीदा उसने महाराष्ट्र से पर बेचा तो गुजरात ही है इसलिए लगेगा सी जी एस टी एट द रेट नाइन परसेंट एच जी एस टी एट द रेट नाइन परसेंट तो थर्टी फाइव थाउजेंड इंटू नाइन परसेंट थ्री वन फाइव जीरो थ्री वन फाइव जीरो 41,300 टोटल प्राइस चार्ज ठीक है उसके बाद में नेक्स्ट हु इज लाइबल टू पे टैक्स मिस्टर चंदूलाल इज लाइबल टू पे टैक्स ठीक है उसके बाद में कैलकुलेट नेट टैक्स लाइबिलिटी थर्ड कैलकुलेशन ऑफ नेट टैक्स लाइबिलिटी अब देखो ये आदत लगा दो हाँ ये टेबल बनाने की फिर उसमें अमाउंट होगी तो लिखेंगे नहीं होगी तो जीरो कर देंगे पर आदत लगा लो ठीक है क्या आदत लगाना है पर्टिकुलर्स पहले आई फिर सी फिर एस यह हर प्रॉब्लम में आदत ही लगाना फिर आई नहीं होगा तो नील कर देंगे सी और एस नहीं होगा तो नील कर देंगे पर यह प्रॉब्लम में आदत लगा देना। ओके, okay. तो टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई तो कितना टैक्स आएगा आउटवर्ड सप्लाई पर उसके आउटवर्ड सप्लाई में आई जी एस टी नहीं है सिर्फ सी जी एस टी और एस जी एस टी है तो आई जी एस टी में डैश कर दूंगा सी जी एस टी थ्री वन फाइव जीरो देना है और ये भी थ्री वन फाइव जीरो देना है ठीक है लेस आई टी सी अब आई टी सी जब आप लेस कर रहे हो तो ख्याल रहे उसने महाराष्ट्र से खरीदा यहां पे, और आई जी एस टी उसमें कितना था वो क्या अमाउंट था वो यहाँ पे अठारह ना ठीक है यानी छत्तीस सौ यहाँ आई टी सी एस टी छत्तीस सौ है ठीक है तो उसने बेटा महाराष्ट्र से खरीदा आई जी एस टी उसमें लग के आया है तो मेरे पास इनर कॉलम में आई जी एस टी छत्तीस सौ है सी जी एस टी का क्रेडिट कुछ भी नहीं है और एस जी लिखना लिखना ओके ये आदत लगा लो ओके यानी आदत नहीं भी होगा तो भी लिखो तो आपको फॉर्मेट समझ में आएगा चलो तो आईजीएसटी का क्रेडिट है सीजीएसटी नहीं है एसजीएसटी नहीं है अब मैं क्रेडिट यूज करना चालू करूंगा हमारा टेबल याद करो आईजीएसटी का क्रेडिट इन्वर्ट सप्लाई का अगेंस्ट आई पहले आईजीएसटी में यूज करूंगा पर आईजीएसटी नहीं है तो चलो कोई बात नहीं है नहीं है तो अच्छी बात है फिर मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी में कैसे भी यूज कर सकता हूं तो टू मेंटेन हारमोनी इन क्लास मैं फिफ्टी फिफ्टी यहाँ पे लूँगा पर आप चाहो तो पूरा का पूरा इसमें यूज़ कर लो बैलेंस इसमें यूज़ करो मतलब आप ऐसा भी कर सकते हो ओके लिखना मत कुछ आप यहाँ ऐसा भी कर सकते हो थ्री वन फाइव जीरो ओके तीन हजार छः सौ में से थ्री वन फाइव ज़ीरो गया तो चार सौ पचास इसमें यूज़ कर लिया या आप उल्टा भी यूज कर सकते हो मतलब क्या ओके थ्री वन फाइव जीरो इधर भी यूज कर सकते हो और चार सौ पचास इधर भी यूज कर सकते हो आई जी एस टी का क्रेडिट या फिर कोई भी रेशियो तो मैं फिफ्टी फिफ्टी ले लेता हूं दोनों को क्यों नाराज करते हो ओके तो यहां पे फिफ्टी फिफ्टी हर्षद बेटा सीए इंटर या फाइनल <laughs> जबरा फैन जबरा फैन <laughs> चलो अच्छी <laughs> बात है बेटा मैं फैन तो मैं आपका हूं कि आप मुझे पेशेंस से सुनते हो ओके okay, मेरी बड़बड़ बड़ सुनते हो सीजीएसटी नहीं एसजीएसटी नहीं तो आपकी टैक्स लायबिलिटी, नेट टैक्स लायबिलिटी। तो नेट टैक्स लायबिलिटी आई आईजीएसटी तो कुछ नहीं देना पड़ेगा क्योंकि क्यों? पेबल ही नहीं है तो हमने क्रेडिट भी यूज नहीं किया सुहानी मैं तुम्हारा क्वेश्चन नहीं समझा ओके बेटा ओके अब थ्री वन फाइव जीरो थ्री वन फाइव जीरो माइनस अठारह सो यानी वन थ्री फाइव जीरो इसका दूंगा और थ्री वन फाइव जीरो माइनस अठारह सौ तो वन थ्री फाइव जीरो इसका दूंगा तो ये मैं सेंट्रल को दूंगा ये मैं स्टेट को दूंगा ओके किसको कनी का वो छोड़ दो मुझे वो गवर्नमेंट ने सॉफ्टवेयर बनाया कि किसी का नुकसान नहीं होगा वो उनके कैलकुलेशन वाले सॉफ्टवेयर है तो डोंट वरी फॉर दैट मैं बोल रहा हूँ कि नहीं होता है मेरे पे इतना विश्वास कर लो ठीक है ओके चलिए यहां पे अगर समझ में आया होगा तो अब थोड़ा और डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं यहां तक समझ में आया सबको बोलो यस और नो, जोर से बोलो ठीक है चलो अब देखो मैं आपकी लेवल कहां तक लेके जाता हूं सुहानी का एक सवाल है सर जो नेट टैक्स लाइबिलिटी आया उसका टोटल दो हजार सात सौ आया है सो को, कोई भी रेशियो में करे तो क्रेडिट टोटल सत्ताईस सौ ही आएगा सर हाँ कोई भी रेशियो में करे तो आएगा पर इंपॉर्टेंट है कि आप गवर्नमेंट को कितना दे रहे हो आप किस में भी यूज़ करो टोटल उतनी आएगी पर सेंट्रल को कितना स्टेट को कितना और थोड़ी आपकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ने के बाद मैं समझाऊंगा ये बात कि हमारे पास जब सी जी एस टी के क्रेडिट एक्सेस पड़े हुए हैं एस जी एस टी के तो आपकी क्रेडिट भी किसके एक्सेस पड़े हुए हैं उस बात को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना पड़ता है ये थोड़ा मैं बाद में समझाऊंगा इसके लिए थोड़ा मैच्योरिटी लगती है अभी ना प्रिंसिपल समझ लो फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे डिसीजन लेना चाहिए कैसे कौन से क्रेडिट ज़्यादा है कौन से क्रेडिट कम है ओके फिर उसके बेस पर हमने डिसीजन क्या लेना चाहिए ये डिसीजन मेकिंग आगे पढ़ाऊंगा मैं ठीक है नाजमीन हम आखिरी में बात करेंगे चलिए ओके चलो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर नाइन द बिलो केस पर्टेनिंग टू interstate सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस रेट अप्लीकेबल फॉर आई जी एस टी एटीन परसेंट सीजीएसटी और एस जी एस टी रिस्पेक्टिवली बिलो और दोनों भी है तो देखो अब इसका ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये आपको आ गया ना तो मजा आ जाएगा ठीक है ये अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो देखो अब इसमें क्या है पहला ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बाय मिस्टर एक्स ऑफ महाराष्ट्र टू मिस्टर ए ऑफ सेम स्टेट यानी एक्स टू ए है दोनों महाराष्ट्र के हैं ठीक है उसके बाद में वैल्यू दस हजार है वैल्यू दस हजार जा रही है ठीक है कैलकुलेट टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर एक्स आल्सो स्टेट द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबल टू ए टोटल प्राइस निकालो ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व किया था और ए को कितना क्रेडिट मिलेगा वो बताओ

टू द गवर्नमेंट बाय मिस्टर ए मतलब हमारे स्टेटमेंट कितने बनेंगे पहले टोटल प्राइस ऑफ मिस्टर ए बन गया एक फिर कितना क्रेडिट मिल गया ये दो फिर वैल्यू एडिशन के बाद उसकी टोटल प्राइस की है, तीन फिर ओके ऑन दिस वर्किंग अबो द क्वेश्चन कंप्यूट आई जी एस टी पेबल पेबल टू द गवर्मेंट बायर ए यानी ये चार उसके बाद में चार स्टेटमेंट बन गए उसके बाद में ओके अज्यूमिंग अ फर्दर वैल्यू एडिशन 20 परसेंट ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बाय मिस्टर बी ऑफ कर्नाटका टू मिस्टर सी ऑफ द सेम स्टेट कैलकुलेट टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर बी तो यहाँ पे ये आगे कितने में बेच रहा है सी को ओके okay, ये भी सी कर्नाटका है मतलब ये भी इन, आ, आ, इंट्रा स्टेट है और इसमें भी वैल्यू एडिशन ट्वेंटी है मतलब चार इसकी प्राइस निकालनी पड़ेगी पाँच एस व अबो वर्किंग कॉम्प्यूट यहाँ पे जीएसटी कर देना कॉम्प्यूट जीएसटी पेबल नेट जीएसटी पेबल कर देना नेट जीएसटी पेबल बाय मिस्टर बी यानी ये बन गया छ स्टेटमेंट और कैलकुलेट रेवेन्यू अर्न बाय सेंट्रल एंड स्टेट ये बन गया सात ये बन गया सात ठीक है यानी सात स्टेटमेंट निकालने में है ठीक है चलो यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन इंट्रा था ये ट्रांजेक्शन इंटर था ये ट्रांजेक्शन इंट्रा था अब आपका ना माइंड में बहुत यूज करूंगा सात स्टेटमेंट निकालने के लिए तो आर यू रेडी यस सर चलो पहला चलो आ जाइए पहला वो क्या कह रहे हैं मेरे साथ नोटबुक में लिखते जाओ कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्राइस कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर ए टू मिस्टर सॉरी मिस्टर एक्स टू मिस्टर ए एक्स टू मिस्टर ए यहां पर इंट्रास्टेट सप्लाई है इंट्रास्टेट सप्लाई है ठीक है इसलिए वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस गुड्स और सर्विसेस कितनी वैल्यू है दस हजार रुपये दस हजार रुपये लिखते जाओ मेरे साथ उस पर सी जी एस टी एट द रेट नाइन परसेंट एस जी एस टी एट द रेट नाइन परसेंट यानि नौ सौ नौ सौ रुपये आपका आंसर आया पहला ग्यारह हजार आठ सौ रुपये ग्यारह हजार आठ सौ रुपये टोटल प्राइस टोटल प्राइस ठीक है उसके बाद में सेकंड सेकंड क्या पूछा कि बी को कितना क्रेडिट मिलेगा ऑल्सो स्टेट द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेल्ड बाय मिस्टर ए बी को नहीं ए को तो आई टी सी अवेलेबल टू मिस्टर ए जितना उसके बिल में लग के आया नहीं क्योंकि एक्स ने ए को बेचा तो ए के लिए इनवर्ट सप्लाई है तो आई टी से अवेलेबल सी जी एस टी नाइन हंड्रेड एंड एस जी एस टी नाइन हंड्रेड ये हुई ना बात चलो अब तीसरा क्या पूछ रहे हो कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेट जी एस टी ना नहीं नहीं सॉरी 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 नेट क्या है अब आगे ए ने बी को सेल सेल किया तो वो आएगा कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्राइस टोटल प्राइस चार बाय मिस्टर ए टू मिस्टर बी मिस्टर बी इंटरस्टेट सप्लाई है इंटरस्टेट सप्लाई है तो वैल्यू हाँ ट्वेंटी परसेंट वैल्यू एडिशन है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कितने में खरीदा था दस हजार में प्लस दो हजार वैल्यू एडिशन है तो टोटल हुआ बारह हजार रुपये ओके दस हजार प्लस दो हजार वैल्यू एडिशन है मतलब टोटल कितना हुआ बेटा बारह हजार रुपये क्लियर यस और नो चलो उसके बाद में मैं वो कॉस वगैरह नहीं लिखता डायरेक्ट दस प्लस दो वैल्यू एडिशन उसके बाद में इसके ऊपर लगेगा आई जी एस टी आई जी एस टी एट द रेट क्या एटीन परसेंट यानी कितना हुआ बारह हजार का एटीन परसेंट टू वन सिक्स जीरो तो टोटल प्राइस फोर्टीन थाउजेंड वन सिक्सटी ये निकल गई टोटल प्राइस तो मेरा पहला स्टेटमेंट हो गया दूसरा हो गया तीसरा भी हो गया अब वो पूछ रहे है कि मिस्टर ए की नेट टैक्स लाइबिलिटी तो चौथा कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेट आईजीएसटी पेबल बाय मिस्टर ए तो मिस्टर ए के आउटपुट में आई जी एस टी है टू वन सिक्स जीरो और उसके इनपुट में सी जी एस टी और एस जी एस टी है उसके इनपुट में सी जी एस टी और एसजीएसटी जी एस टी है चलो तो हमारा टेबल वैसा ही निकालने का टेबल वैसा ही निकालने का मतलब क्या पर्टिकुलर्स पहले आई जी एस टी लिखने का फिर सी जी एस टी लिखने का फिर एस जी एस टी लिखने का यह लिखने का टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई तो कितना है बेटा टू वन सिक्स ज़ीरो आई जी एस टी है ना उसका आउटवर्ड सप्लाई में टू वन सिक्स ज़ीरो ये डैश और ये डैश लेस आई टी सी आई टी सी आई टी सी उसके पास क्या है इनर कॉलम में लिखते जाओ इनर कॉलम में आई जी एस टी का आई टी सी नहीं है उसके पास नील है लेकिन सी जी एस टी का है कितना है सी जी एस टी का नौ सौ रुपये और एस जी एस टी का कितना है नौ सौ रुपये ओके अब यूटिलाइजेशन चालू कर दो पहले आई जी एस टी का आई टी सी यूज करना चाहिए पर आई जी एस टी का आई टी सी नहीं है तो चलो अच्छी बात है आई टी सी नहीं है फिर हम सी जी एस टी हाँ हमने क्या पढ़ा सी जी एस टी का क्रेडिट सी जी एस टी में यूज़ करना चाहिए पर सी जी एस टी पेबल ही नहीं है अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है सी जी एस टी का क्रेडिट सी जी एस टी में यूज़ करना चाहिए पर पेबल नहीं है तो फिर आप आईजीएसटी में भी यूज़ कर सकते हो मतलब मैं यहाँ नौ सौ रुपये यूज़ कर सकता हूँ ये बात आपको समझ में आई क्या यहाँ डैश क्योंकि पेएबल नहीं है और यहाँ क्रॉस ओके क्योंकि ये एस जी एस टी बेटा ओके यहाँ क्रॉस क्योंकि वो एस जी एस टी में यूज़ नहीं हो सकता ठीक है आई समझ में और एस जी एस टी यहाँ पे एच जी एस टी कोई पेएबल ही नहीं है तो यहाँ पे डैश यहाँ पे क्रॉस और हम किस में यूज़ करेंगे आई जी एस टी में तो बोलो दोस्तों कितना नेट टैक्स पेएबल आ रहा है नेट आईजीएसटी पेबल तो 2160 माइनस 1800 इन्हें यानी आपका आएगा 360 और ये डैश ये डैश यहां ये ये पॉइंट समझा सभी को यस और नो ये पॉइंट समझा के सभी को करेक्ट मुख्त आप सही हो ये पॉइंट सबके समझ में आया यस और नो जोर से बोलिए हां सर समझ में आ गया ये पॉइंट हमारे वेरी गुड चलिए ओके अब आगे बढ़ते अब ये चार हो गए पांचवा क्या है पांचवा बोलते हैं कि भाई बी ने भी आगे बेचा सी को उसकी टोटल प्राइस निकाल के बताओ ठीक है तो बी की परचेज प्राइस कितनी थी बेटा बारह हजार बाकी तो टैक्स था तो बारह हजार पे ट्वेंटी परसेंट ठीक है तो चलिए छ नंबर पांच नंबर ले लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज बाय बी टू सी बाय मिस्टर बी टू मिस्टर ओके बी टू सी तो वैल्यू ऑफ सप्लाई 12000 प्लस 20% 12000 20% प्लस इक्वल्स टू 14400 उसके ऊपर अब उसने कर्नाटका के कर्नाटका में बेचा इसलिए सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा तो यहां पे सी जी एस टी एट द रेट नाइन परसेंट एच जी एस टी एट द रेट नाइन परसेंट सी जी एस टी एट द रेट नाइन परसेंट एच जी एस टी एट द रेट नाइन परसेंट तो इन टू नाइन परसेंट यानी वन टू नाइन सिक्स और वन टू नाइन सिक्स तो आपका चौदह हज़ार चार सौ प्लस वन टू नाइन सिक्स प्लस वन टू नाइन सिक्स यानी कितना हो गया सोलह हजार नाइन नाइन टू ये सही है ना बेटा देख लेना एक बार टोटल प्राइस चार्ज टोटल प्राइस चार्ज ठीक है अब बेटा यहाँ पे उन्होंने आगे क्या पूछा छ नंबर पे छ नंबर पे नेट जीएसटी पेबल बाय मिस्टर बी चलो ठीक है कैलकुलेशन ऑफ नेट जी एस टी फेबर बाय मिस्टर हाँ मिस्टर बी वही टेबल हमने जैसा बनाया था वैसा बना पर्टिकुलर पहले आई जी फिर सी जी और फिर एस जी फिर एच जी एस टी ठीक है लिखो टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई तो उसके आउटवर्ड सप्लाई में कौन से टैक्स थे सी जी एस टी और एच जी एस टी आई जी एस टी नहीं था तो ठीक है वन टू नाइन सिक्स वन टू नाइन सिक्स वन टू नाइन सिक्स वन टू नाइन सिक्स लेस आई टी सी लेस आई टी सी आई क्या है उसके पास उसके पास आई है कितना पड़ा हुआ है आई उसके पास उसने खरीदा ना टू वन सिक्स ज़ीरो उसका परचेस टू वन सिक्स ज़ीरो का आई जी एस टी का था सी जी एस टी नहीं है एच जी एस टी नहीं है चलो अब लॉ क्या कहता है आईजीएसटी का क्रेडिट है अच्छा तो आईजीएसटी का क्रेडिट पहले आईजीएसटी में पर आईजीएसटी कोई पेबल ही नहीं है हाँ फिर आप कोई भी रेशियो में अब यहाँ पे कोई भी रेशियो में फिफ्टी फिफ्टी भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे आप पूरा सी के लिए बचा हुआ है एस के लिए यूज कर सकते हो चलो इस बार थोड़ा चेंज करते पूरा सी के लिए तो यहाँ पे वन टू नाइन सिक्स पूरा मैं इसके लिए यूज कर लेता हूँ और बचा हुआ टू वन सिक्स जीरो माइनस वन टू नाइन सिक्स तो एट सिक्सटी फोर इधर यूज कर लेगा थोड़ा चेंज कर लेते हैं मतलब आपको समझ में आ जाएगा वो ठीक है ये तो नहीं है ये भी नहीं है तो ऐसे केस में नेट जीएसटी लाइब्रेटी नेट जीएसटी लाइब्रेटी आई जी एस टी नील सी जी एस टी भी नील हो गया और एस जी एस टी वन टू नाइन सिक्स माइनस एट सिक्सटी फोर तो फोर थर्टी टू फोर थर्टी टू ये पेबल आया अब देखो यहाँ पे कनिका सुहानी हर्षा यशिका यहाँ पे ध्यान से देखना गुलाब यस जयश कि मैं फिफ्टी फिफ्टी अगर यूज करता यानी इसके लिए फिफ्टी और इसके लिए फिफ्टी तो दोनों पेबल आते मैंने अगर इसको पूरा यूज कर लिया सी जी एस टी में तो यहां नील आ गया एच जी एस टी ही पेबल आ गया या आप ऐसा भी कर सकते थे पूरा एस जी एस टी में तो इधर पेबल आ जाता ओके okay, पर लॉस किसी का नहीं होगा मैं बता रहा हूं लॉस किसी का नहीं होगा ये बात आपकी समझ में आई क्या फोर थर्टी टू पेबल आया फोर थर्टी टू पेबल आया ठीक है चलो अब यहां पे मैं एक स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ इंटर लेवल पे टफ है पर समझा तो बहुत अच्छी बात है नहीं समझा तो छोड़ देना लेकिन ये कंसेप्ट समझाना थोड़ा टफ है ओके okay, क्योंकि एज अ स्टूडेंट ये कैलकुलेट करना हमारा काम नहीं होता है स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ने जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो सॉफ्टवेयर ही बना के देगा इसलिए अगर आपको नहीं समझा तो बिल्कुल दिमाग मत लड़ाना पर समझ गया तो ये बहुत अच्छी बात है ठीक है तो हम बनाएंगे लास्ट स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू लास्ट ले लो अरे यार स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू टू गवर्नमेंट पहले तो मुझे बताओ कितनी गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी पूरे एक्स से लेके तो लास्ट तक कितनी गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी सब गवर्नमेंट का रेवेन्यू निकाल के रहेंगे ए को दिया ए ने बी को दिया बी ने सी को दिया जो भी है कितनी गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी कितनी गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी तो आपका पर्टिकुलर्स आपको पता होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी स्टेट गवर्नमेंट और कर्नाटका गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी एक ट्रांजेक्शन में तीन गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी सुहानी तीन थी तीन दो नहीं और एक सेंट्रल तो रहेगा और महाराष्ट्र भी इन्वॉल्व था पूरे ट्रांजेक्शन में और कर्नाटका भी था इज इट क्लियर यस पहला ट्रांजेक्शन जब हुआ किसके बीच में एक्स टू ए तो पहला okay. ट्रांजेक्शन एक्स टू ए बेटा दो नहीं तीन गवर्नमेंट में इन्वॉल्व थी सब इससे एग्री हो तीन गवर्नमेंट में इन्वॉल्व थी बेटा सब इससे एग्री हो है. x टू a में सेंट्रल को कितना गया देखो ट्रांजेक्शन में सेंट्रल को 900 गया और महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्योंकि ये महाराष्ट्र में हुआ था तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रेवेन्यू था इसलिए महाराष्ट्र को नौ सौ रुपए गया कर्नाटका को कुछ नहीं गया उसके बाद में सेकंड ट्रांजेक्शन ए टू बी ए टू बी में ए टू बी में आई लगा बेटा ए टू बी में आई लगा ये समझ में आया ओके okay, और आईजीएसटी पहले सेंट्रल ले लेता है सेंट्रल को दे तो दो आईजीएसटी कितना था आईजीएसटी उसके अंदर नेट नेट आईजीएसटी ठीक है नेट हमने नेट निकाला है ना हाँ नेट थ्री सिक्सटी क्योंकि वो तो टोटल था माइनस क्रेडिट यानी नेट थ्री सिक्सटी पूरा सेंट्रल ले लेगा ले आपसे यहाँ तक समझा ओके okay, ये समझा क्या नेट आई जीएसटी मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा यहां तक समझाओगा तो आगे की स्टेप लेते हैं नेट आई जीएसटी थ्री सिक्सटी अब क्या होता है नेक्स्ट ट्रांसफर ट्रांसफर समझा तो हां बोलते जाइए सब यहां अब क्या होता है देखो समझ लो एक कोई गुड्स था एग्जाम्पल लो ये कैलकुलेटर ठीक है ये कैलकुलेटर एक्स ने ए को बेचा तो पहले सेंट्रल ने रेवेन्यू लिया और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रेवेन्यू लिया फिर फिर वो वहां से कर्नाटका गया उसका डेस्टिनेशन आगे बढ़ गया और उसका डेस्टिनेशन कर्नाटका चले गया तो अब उसके ऊपर आई लगाया गया क्लियर और ये आई जी एस टी में ये आई जी एस टी में सेंट्रल का क्रेडिट एडजस्ट हुआ और महाराष्ट्र का क्रेडिट एडजस्ट हुआ ये आई जी एस टी में सेंट्रल का क्रेडिट एडजस्ट हुआ और महाराष्ट्र का क्रेडिट एडजस्ट हुआ और नेट आई जी एस टी थ्री सिक्सटी हो गया अब नेट आई जी एस टी थ्री सिक्सटी हो गया तो यहां पे क्योंकि आई जी एस टी का टोटल टू वन सिक्स जीरो था और टोटल टू वन सिक्स जीरो पे समझ में आया क्या उसमें से क्रेडिट एडजस्ट करके नेट थ्री सिक्सटी ही बचा लेकिन अगर वो महाराष्ट्र से कर्नाटका जाता है तो रेवेन्यू किसको मिलना चाहिए कर्नाटका को तो ऐसे केस में जीएसटी काउंसिल में ये डिसाइड हुआ कि अब गुड्स महाराष्ट्र नहीं रहा महाराष्ट्र से कर्नाटका गया तो अब जो मैं कहने जा रहा हूं आप नहीं मानोगे तो भी सुन लो और कनी का यहां तुमको समझेगा कि लॉस नहीं होगा ये डिसाइड हुआ कि गुड्स जब आगे बढ़ा तो महाराष्ट्र से नौ सौ रुपए जो उसने कलेक्ट किए थे वो निकाल लिए जाएंगे क्यों निकाल लिए जाएंगे क्योंकि उसका जो महाराष्ट्र ने नौ सौ रुपए कलेक्ट किए उसका क्रेडिट आईजीएसटी में दिया गया इसलिए महाराष्ट्र के हाथ से निकाल लिए जाएंगे और वो पैसा सॉफ्टवेयर वो पैसा सॉफ्टवेयर सेंट्रल को दे देगा सर मतलब महाराष्ट्र को कुछ नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा क्योंकि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होने की वजह से वो स्टेट के हाथ से निकाल लिए जाएंगे क्योंकि आईजीएसटी में क्रेडिट दिया ओके okay, वो स्टेट के हाथ से निकाल लिए जाएंगे और वो पैसा सॉफ्टवेयर सेंट्रल को शिफ्ट कर देगा ठीक है मैं नहीं मान रहा होगा एक एक स्टेप पे हा हा बोलते जाइए तो भी समझो क्योंकि आईजीएसटी पे करते वक्त सेंट्रल का तो क्रेडिट दिया ही गया महाराष्ट्र ने जो कलेक्ट किया था नौ रुपए उसका भी क्रेडिट दिया गया था इसलिए ये सबने मिलकर डिसाइड किया कि ठीक है ओके यहां पे महाराष्ट्र ने जो कलेक्ट किया वो उसके हाथ से ले लो वापस क्योंकि गुड्स अब महाराष्ट्र में नहीं रहा आगे बढ़ गया इसलिए वो सेंट्रल में जमा कर दो यानी अब सेंट्रल के पास टोटल टू वन सिक्स जीरो हो जाएगी आईजीएसटी कितना था टू वन सिक्स जीरो देखो टोटल कितनी आएगी नाइन हंड्रेड प्लस नाइन हंड्रेड प्लस थ्री सिक्सटी यानी सेंट्रल के पास पूरा आईजीएसटी का पैसा आ गया अगर समझा होगा तो यस बोलिए समझा होगा तो यस बोलिए फटाफट मैं आपके यस का रहा देखूंगा यस की राह देखूंगा आपके वेरी गुड जयश कनिका समझा क्या ये सुहानी आशीष यशिका राघव ये सिंपल है ना क्योंकि महाराष्ट्र ने जो पैसा लिया था वो IGST में क्रेडिट दिया गया IGST पे करते वक्त टू वन सिक्स जीरो तो महाराष्ट्र में अब गुड्स नहीं रहा या वो सर्विस नहीं रही तो महाराष्ट्र से वो पैसा वापस ले लेगा और कि वो सॉफ्टवेयर महाराष्ट्र का अकाउंट को डेबिट कर देगा और सेंट्रल को पूरा शिफ्ट कर देगा क्यों सेंट्रल को पूरा शिफ्ट कर देगा मैंने यही कहा समझना थोड़ा मुश्किल है बस आपको कहा दिक्कत जा रही है कि सर महाराष्ट्र से पैसा क्यों निकाला जा रहा है क्यों क्योंकि क्रेडिट उस उसने जो पैसा दिया ओके वो आईजीएसटी में क्रेडिट दिया गेटा बेटा और आईजीएसटी का पैसा डेस्टिनेशन कर्नाटका को ट्रांसफर करना है इसलिए महाराष्ट्र से निकाल लिया जाएगा अब ये ऐसा समझो सभी स्टेट एग्री हुई इसके लिए अब वो ऐसा सर एग्री क्यों हुई एक बार पैसा जेब में आता है तो हम वापस क्यों देते हैं उनको क्यों देने का हाँ मत सोचो वो पूरा क्रेडिट फ्लो कंटिन्यू करने के लिए सभी स्टेट उसके ऊपर एग्री हुआ बस ये सोच के चलो नहीं अब कुलदीप आगे समझो ना ओके okay, आगे समझो कि सेंट्रल को तो नेट 360 मिल रहा है ना सेंट्रल को तो नेट थ्री सिक्सटी आईजीएसटी मिल रहा है फिर आप कहोगे कि सर 360 सिक्सटी बांटो आगे तो आगे 360 कैसे बांटे जाएंगे क्योंकि थोड़ा लॉजिक लगाना आगे हम बिल देखो आगे कर्नाटका बिल जा चुका है टू वन सिक्स जीरो का अगर आगे कर्नाटका में बिल जा चुका है टू वन सिक्स जीरो का तो कर्नाटका गवर्नमेंट को ये आईजीएसटी का क्रेडिट जो है वो 2160 के बेस पे क्रेडिट अलाउ करना पड़ेगा 360 के बेस पे थोड़ी अलाउ करेंगे क्योंकि जो बायर सी है सी के पास तो इनपुट टैक्स इनवॉइस इनवॉइस तो थ्री टू वन सिक्स जीरो का पड़ा हुआ है ना ठीक है गवर्नमेंट को 360 मिला पर उसके पास इनवॉइस तो 2160 का पड़ा हुआ है ना ओके okay, जब बायर बी से सॉरी ओके ए से बी गया सॉरी ए से बी गया तो यहाँ पे 2160 का बिल लगा के बी के पास गया ना तो बी तो 2160 का क्रेडिट क्लेम करेगा अगेंस्ट अगेंस्ट क्या तो वो आईजीएसटी का क्रेडिट ओके okay, यहाँ पे 2160 का सेंट्रल और स्टेट दोनों में क्लेम करेगा कैसे भी करेगा तो ऐसे केस में गवर्नमेंट को तो सेंट्रल को तो मिला था थ्री ओके okay, सेंट्रल को मिला 360 अब सेंट्रल 360 के बेस पे कैसे आगे अमाउंट बांटेगी ओके okay, इसलिए सेंट्रल के पास 2160 पूरा पैसा जमा होना जरूरी है क्योंकि 2160 आएगा तो ही तो आगे कर्नाटका को वो क्रेडिट और, और रेवेन्यू शेयर हो पाएगा आप मेरी बात समझ रहे मान लो बेटा क्योंकि ये ऐसा ही सिस्टम है ओके okay, आप अगर एक दो बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा तो महाराष्ट्र से नौ सौ निकाल लिया जाएगा जितेश का कहना बिल्कुल सही है सर मतलब अपनी स्टेट में एक गुड्स जितने भी बार सेल हो अगर उसका अल्टीमेट स्टेल दूसरी स्टेल में हो जाता है तो पूरा रेवेन्यू उधर चले जाएगा बिल्कुल सही बिल्कुल सही जितेश बिल्कुल सही ओके okay, आप सही कह रहे हो मतलब हमारे महाराष्ट्र में दस बार सेल हुआ और अल्टीमेटली यहाँ से राजस्थान चले गया तो पूरा का पूरा पैसा सेंट्रल लेके आगे राजस्थान को शिफ्ट करेगी तो ये ऐसा है दूसरा ऑप्शन नहीं है ओके okay, तो ये तो सर ऐसा हुआ कि आमदनी अट्ठन्य खर्चा रुपया जो भी है बेटा ये सबको मानना पड़ा क्योंकि क्रेडिट फ्लो कंटिन्यू रखना पड़ा वाटरिट में भी चलो तो इससे निकाल के इसको तो गवर्नमेंट के पास टू जमा हो गए टू वन सिक्स जीरो जमा हो गए इसकी टोटल करोगे तो टू वन सिक्स जीरो जमा हो गए। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ वो वो देखो क्या? वो B2C में हुआ, और B2C मतलब कर्नाटका के कर्नाटका में हुआ तो उसमें यहां पे आ, सेंट्रल को कुछ नहीं गया क्योंकि चार सौ बत्तीस रुपए नेट टैक्स लाइबिलिटी आई थी फोर थर्टी टू महाराष्ट्र को भी नहीं कर्नाटका को फोर थर्टी टू रुपीज आया समझा कर्नाटका को फोर थर्टी टू रुपीज मिला येस और नो ठीक है कर्नाटका को फोर थर्टी टू रुपीज मिला यहां तक क्लियर अब यहां पे ध्यान से देखिएगा अब गवर्नमेंट का क्या कहना है गवर्नमेंट का यह कहना है यहां पे आखिरी ट्रांजेक्शन में आखिरी ट्रांजेक्शन में कर्नाटका गवर्नमेंट को टोटल कितना मिलना चाहिए था क्योंकि ये तो कर्नाटका गवर्नमेंट का रेवेन्यू था आखिरी ट्रांजेक्शन ओके okay. कर्नाटका गवर्नमेंट ध्यान से सुनो कर्नाटका गवर्नमेंट को आखिरी ट्रांज कर्नाटका में ट्रांजेक्शन हुआ उसमें गौर्में कर्नाटका गवर्नमेंट को कितना मिलना चाहिए था वन टू नाइन सिक्स लेकिन ओके वन टू नाइन सिक्स कर्नाटका गवर्नमेंट को नहीं मिला क्यों क्योंकि आई का क्रेडिट एट चले गया बहुत ही एडवांस लेवल पे आप समझे ना तो बहुत अच्छी बात है बेटा पर बहुत ही एडवांस लेवल पे डिस्कशन है देखो कर्नाटका गवर्नमेंट को वन टू नाइन नाइन सिक्स मिलना चाहिए था क्योंकि उनके स्टेट में ट्रांजेक्शन हुआ था उसमें से एट सिक्सटी फोर उन्होंने क्रेडिट अलाउ कर दिया है जीएसटी के तो हाथ में उनके चार सौ बत्तीस रुपया है तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है तो गवर्नमेंट क्या करेगी यहाँ पे ट्रांसफर कर देगी ट्रांसफर कर देगी कि उनको उनका पूरा यहाँ पे जो अमाउंट है वो वन टू नाइन सिक्स हो जाए ऐसा ओके okay, यहां पे गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट 864 सिक्स फोर रुपीज आई रिपीट एट अपने से शिफ्ट करके कर्नाटका को दे देगी तो अगर आप देखोगे अब ध्यान से अगर आप देखोगे ध्यान से तो कर्नाटका को वो 432 प्लस 864 यानी वन 1296, जो उनके स्टेट में ट्रांजेक्शन हुआ था जो उनको टैक्स मिलना चाहिए था वो आ गया उनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिला वो हाथ धोते बैठ गया ओके और सेंट्रल सेंट्रल को सेंट्रल को भी अगर आप बराबर कैलकुलेट करोगे तो जो लास्ट ट्रांजेक्शन था उतना टैक्स बराबर शेयर किया गया लास्ट ट्रांजेक्शन का वन टू नाइन सिक्स इसको तो कहते हैं टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीएसटी ओके वन टू नाइन सिक्स लास्ट ट्रांजेक्शन में ओके okay, सेंट्रल को मिलना चाहिए था और लास्ट ट्रांजेक्शन में स्टेट को मिलना चाहिए था तो ऐसे केस में अगर आप नेट निकालोगे तो ये भी वन टू नाइन सिक्स ही आएगा ओके okay, यानी पूरे ट्रांजेक्शन में एंटर बर्डन इज ऑन अल्टीमेट कंज्यूमर और ये एंटर बर्डन इज ऑन अल्टीमेट कंज्यूमर में जो लास्ट वाले ट्रांजेक्शन पे रेवेन्यू रहेगा सेंट्रल और स्टेट ओके okay, उतना रेवेन्यू उस सेंट्रल को और उस स्टेट को आएगा तो अगर आप नेट कैलकुलेशन करो तो वन टू नाइन सिक्स वन टू नाइन सिक्स दोनों के लिए आएगा कर्नाटका को और सेंट्रल महाराष्ट्र को कुछ नहीं मिलेगा जितेश ने सही कहा ओके okay, महाराष्ट्र में कितने भी ट्रांजेक्शन हो जाए पर अल्टीमेटली गुड्स अगर उधर चले गया तो पूरा का पूरा जो लास्ट ट्रांजेक्शन का टैक्स होगा वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन आएगा पर ये प्रोसेस रहेगी डिस्ट्रीब्यूशन की ट्रांसफर एंट्री की इसलिए का यहां किसी को लॉस नहीं होगा ओके okay, क्योंकि जो लास्ट का टैक्स है वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन उस स्टेट के नेट लाइव नेट रेवेन्यू में आएगा आशीष पचास पचास परसेंट करो तो भी वैसा ही आएगा ओके डोंट वरी फॉर दैट मैं कह रहा हूं पचास पचास परसेंट करो तो वैसा ही आएगा ओके okay. तो वो बस इतना आएगा कि यहां पे 50 परसेंट पचास परसेंट किया तो वो केस में लास्ट ट्रांसफर एंट्री का अमाउंट बदल जाएगा और कुछ नहीं होगा हाँ कनिका लास्ट में जिसे जितना मिलना था उसे उतना मिल गया <laughs> सही कह रहे हो आप तो अगर आपको ये स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू समझ में आया होगा तो अच्छी बात है नहीं आया होगा तो छोड़ दो दिमाग मत लड़ाओ ये सॉफ्टवेयर करता है सिर्फ वो कनिका का आंसर जो था इसमें मिल जाना चाहिए ठीक है किसी को लॉस नहीं होगा लास्ट में जिसे जितना मिलना था उसे उतना मिल जाएगा नहीं 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 पंकज नहीं वो एडिशनल कोई क्वेश्चन हो गए तो मैं ऐड कर दूंगा जरूरत नहीं है आपको परचेस करना है तो कर सकते हो पर जरूरत नहीं है जितेश मजा आ गया सर बेचारा महाराष्ट्र को घाटा हो गया इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता का महाराष्ट्र को ये कहेगा इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता ठीक है चलो बेटा जीतनी इतना आसान नहीं है आप अगर लिख सी जी एस टी होता है एल जी एस टी होता है आई जी एस टी होता है एंड डायरेक्ट ये सब चीज़ें आपको इसलिए समझ में आ रही है क्योंकि मैंने एक्साइज वैट उनके क्रेडिट फिर क्या प्रॉब्लम हुआ फिर जी एस टी कैसे आ गया आज तुम्हारी ये ग्रीप आई है क्रेडिट कंसेप्ट नहीं तो सच में बताओ बेटा ये समझना आप किसी से भी जो भी सी इंटर का स्टूडेंट है किसी ने भी डेमो लेक्चर किसी और से किया होगा पूछ लो पूछ लो कि ये समझ में आया कि नहीं आया ओके okay, पूछ लो समझ में आया कि नहीं आया okay, किसी से भी ये स्टेटमेंट फाइनल स्टूडेंट को नहीं समझ में आते यार पर आपको समझ में आ गए रेस्पेक्ट ओके तो जो विजय सर कहते हैं ओके okay. आसान तो है बेटा आसान तो है गुलाब ओके okay, चलिए तो ये कंसेप्ट हमने देखा चलो अब एक प्रॉब्लम है ये मैं अभी नहीं बाद में लूंगा यहां पे ओके okay. आज का डिस्कशन खत्म करते हैं यहाँ पे आज का डिस्कशन खत्म करते हैं अब बेटा ध्यान से सुनिएगा मेरी क्लासेस 15 फेब को चालू होगी इसके आगे इस मॉड्यूल के कुछ कंसेप्ट बाकी है मैं जानबूझ के बाकी रख रहा हूँ वो लूँगा और क्योंकि वो रिवीजन में भी आएंगे और आ, हम एक सेशन जितना पढ़ा हमने उसको रिवाइज भी करेंगे फिर ये बचा हुआ कंप्लीट भी करेंगे और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे ठीक है तो पंद्रह फेफ से चालू होगी उसके पाँच छः दिन पहले मतलब अप्रोक्ट अप्रोक्सीमेटली नौ या दस फेफ को मेरा फिर से यहाँ पे आपको गाइडलाइन देने के लिए लेक्चर आएगा कि हम कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे जो भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में लेक्चर लेना चाहता है वो इंस्टॉल करके रखे हम फिर से डेमो चालू करेंगे मतलब यहां से आपका चेकिंग चालू करेंगे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में 10 ग्यारह तारीख से 11 फेब से स्पेशली तब तक तो बेटा आप अगर वी स्मार्ट में बाकी सब्जेक्ट लगा रहे हो तो आपको आदत हो जाएगी आपको इतना टेंशन नहीं जाएगा तब तक तो आप इजीली हो जाएगा ओके okay, चलिए तो बेटा आज का सेशन यहीं रोकते हैं मैं कुछ स्टूडेंट का ये सवाल है कि सर इतना लेट क्यों चालू कर रहे हो आप तो मैं लेट इसलिए चालू कर रहा हूँ बेटा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत आपका इनकम टैक्स हो जाए तो एक मैच्योरिटी लेवल आती है और फिर हम आगे कंटिन्यू कर पाएंगे मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि वी स्मार्ट में आप दोनों ग्रुप ग्रुप वन और ग्रुप टू दोनों लगा सकते हो सब फैकल्टी बेस्ट फैकल्टी है ओके बेटा जिस तरह से मैं चीजों को ओके यहां पे डीप में लेके जाता हूं मैं उसी बेस पे फैकल्टी को सिलेक्ट करता हूं तो आप मेरे भरोसे वी स्मार्ट में सभी सब्जेक्ट्स लगा सकते हो और यहाँ पे और आपको कह दू कि <coughs> यस कंबो आप प्री बुकिंग में ले सकते हो जैसे डी टी आई डी टी लॉ ये खम्बो प्री बुकिंग में ले सकते हो और ये प्री बुकिंग में आप जो खम्बो लोगे ध्यान से सुनिएगा प्री बुकिंग में जो आप कंबो ले गए बेटा तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी उस पर मिल जाए ओके पर मैं डिस्काउंट पर भर, ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ अभी चालू है बहुत ट्रेंड चालू है डिस्काउंट का ओके ये लो ये लो फैकल्टी को प्रोडक्ट बना के रखा हुआ है ओके बेटा मैं इतना कहूँगा कि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो आप सी बनोगे ओके ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं रहेगी इंपॉर्टेंट है।, है आपको क्वालिटी मिलनी चाहिए और क्वालिटी एजुकेशन ही आपको सी बना पाएगा तो बेटा बस इतना कहना चाहूंगा ओके okay, कि हमने कोशिश की है कि आप कमवा वगैरह प्री बुकिंग में लो और लेक्चर्स तो हमारे स्टार्ट हो गए हो गए सर थैंक यू गुलाब थैंक यू ओके सर एनी इंटेंशन टू स्टार्ट आई ओल्ड क्लासेस आईपीसीसी की कोई ओल्ड क्लासेस नहीं है हमारा टैक्सेशन सब्जेक्ट ओल्ड न्यू सेम है दोनों के लिए सेम है आप ओल्ड सिलेबस में हो या न्यू सिलेबस में हो सेम है बेटा चलो तो आज यहीं रुकते हैं सो दोस्तों मिलते हैं 15th ऑफ फेब को उसके पहले मेरा एक लेक्चर आएगा जरूर देखिएगा थैंक यू थैंक यू टू ऑल ऑफ यू रेस्पेक्ट ओके तो मालिक मिलते हैं यस 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 पेन ड्राइव बेटा लेट होगा जितेश पेन ड्राइव फेव एंड तक जाएगा यानी पंद्रह पंद्रह लेक्चर जैसे जैसे हो गए वैसा ऑनलाइन डाउनलोड में ले लो यार ज्यादा अच्छा है यश फास्ट ट्रैक सीए इंटर का मार्च में चालू होगा फेब एंड या मार्च में चालू होगा ओके तो चलो यहां रुकते हैं आज का सेशन अच्छा लगा होगा तो एक मिठाई हो जाए लाइक जरूर कीजिएगा ठीक है मेरे लिए नहीं बेटा आप दूसरों को ये बेनिफिट पास ऑन कर सकते हो क्योंकि जमाना लाइक देख के वीडियो देखने का है सीए इंटर फास्ट ट्रैक फेब एंड से या जनवरी मार्च फर्स्ट वीक यथार्थ सर मैंने अभी कस्टम फिनिश किया है यथार्थ मैं सेशन डालूंगा कि सीए फाइनल लेवल पे आपने रिवीजन कैसे करनी चाहिए चलिए सो ओके थैंक यू थैंक यू टू ऑल ऑफ यू यस yes, यशिका मेरा अब पंद्रह फेफ से चालू हुआ क्लास टाइमिंग वगैरह मैं सब बता दूंगा आप प्री बुकिंग में ले सकते हो क्योंकि टैक्स इनकम टैक्स तो चालू हो गया है तो उसके लेक्चर आपको मिल जाएंगे और साथ में बुक करो तो ज्यादा अच्छी बात है रिजल्ट तीस तारीख तीस इकतीस जनवरी या मैक्सिमम दो तीन फेफ तक आ जाएंगे मानव चलो यहां रुकते बेटा थैंक यू थैंक यू टू तो ऑल ऑफ यू